हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म पर बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है कबीर सिंह। ये एक फिल्म, एक हिंदी वर्जन फिल्म का हिंदी वर्जन किस तरह से, कैसे ऑफिशियल आपको देखने को मिलेगा, तो इसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। इसके अलावा इस फिल्म में प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन बजट और बॉक्स ऑफिशियल कलेक्शन के ऊपर में डिटेल में मिलने वाली है बातें। तो इसके अलावा फिल्म से जुड़े सभी रिलेटिव वीडियो, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, वह भी शेयर किए जाएंगे। फिल्म का एक डिटेल रिव्यू किया जाएगा। स्टेटस के बारे में जानने के लिए फिल्म से जुड़े डिफरेंट डिफरेंट वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो अंत तक जुड़े रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट वीडियो को। देवदास को जब इसमें नाकाम हुए तो शराब में खुद को डुबोकर बर्बादी की राह पर चल पड़ा था। कुछ ऐसे ही हाल कबीर सिंह के लीडर डायरेक्टर कबीर का भी होता है। यूँ तो कबीर इसके नाकाम होने से पहले ही सिगरेट और शराब का तो आदि था, लेकिन जब वह प्रीत से शादी करने के असफल रहा तो दिन रात शराब, ड्रग्स और सिगरेट के नशे में रहता था। यही नहीं कि पेश से सर्जन कबीर इस हालात में लगे गए को सर्जरी भी करते हैं। कबीर सिंह दक्षिण भारतीय फिल्म अर्जुन रेड्डी का हिंदी रीमेक है। यह एक सामान्य सी प्रेम कहानी है जिसमें कबीर का किरदार कहानी को अलग बनाता है। कबीर बेहतरीन गुरसेन ये बैग भी पड़ा, ये नहीं है तो पता नहीं। यह एक सामान्य सी प्रेम कहानी है जिसमें कबीर सिंह का किरदार कहानी को अलग बनाता है। कबीर बेहतर गुसेल हैं और चंद सेकंड में वह आपा खो देते हैं। कॉलेज में उसकी धाक है और सभी उससे डरते हैं। पढ़ाई में वह टॉप है, लेकिन साथ में शराब और लड़कियां उसकी कमजोरी हैं। प्रीत जब कॉलेज में एडमिशन लेता है तो कबीर उसको देखते ही दिल दे बैठता है और पूरे कॉलेज में अनाउंस कर देता है कि ये बंदी मेरी है, कोई उसे परेशान नहीं करेगा। प्रीत चुप रहने वाली लड़की है। कबीर उसे पढ़ाता है और घुमाता है। जब उसे चोट लग जाती है तो वो और बॉयज हॉस्टल में अपने रूम में ले जाता है और मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए कबीर दूसरे शहर के कॉलेज में एडमिशन लेता है और प्रीत के बिना वह रह नहीं पाता है। यही हाल प्रीत का होता है। दोनों शादी का फैसला लेते हैं, लेकिन ये आसान नहीं है। कहानी में कुछ बातें अपहजितजनक हैं। कबीर लड़कियों को अपनी जागीर समझता है। प्रीत को देखकर वह कह देता है कि प्रीत उसकी है, बस हो गया फैसला, प्रीत क्या चाहती है। यही कोई नहीं पूछता कि इन फिल्म में कबीर की सोच महिलाओं के प्रति अच्छी नहीं है, पर वह महिलाओं के बारे में एक ही तरह की सोच रखता है। वक्त आने पर वह लड़की के कपड़े चाकू की नोक पर भी उतार लेता है। फिल्म देखने ते समय ज़्यादातर लोगों को प्रीत बेहद मासूम नज़र आएगी, लेकिन वो मासूमियत नहीं, हीरोइन का दपुन है। कबीर ने उसे देखते ही कहा कि यह मेरी है, वह कोई विरोधी नहीं करेगा। कबीर उसे क्लास से बाहर ले जाता है और वह चुपचाप चली जाती है। कबीर उसे अपने रूम में ले जाकर सीमाएं पार कर जाता है और तो वो भी कुछ नहीं बोलती। अब इसमें मासूमियत टूटता तो मूर्खतापूर्ण बात है। कबीर और प्रीत की लव स्टोरी एक तरफ अलग है। फिल्म देखते समय ऐसा लगता है कि कबीर का साथ प्रीत केवल इसीलिए देती है कि क्योंकि वह उससे डरती थी। वैसे भी कबीर और प्रीत की लव स्टोरी के बजाय निर्देश और लेखक ने कबीर की आत्मा विनाश को ज़्यादा फुटेज दिए हैं। इसी बहाने उन्हें कबीर की दिमागी हालत दिखाने का खूब मौका मिला है और कबीर की हरकतों से उन्हें मनोरंजन पैदा करने की कोशिश भी की है। चलिए यह मान लिया कि यह एक ऐसे किरदार की कहानी है जिसमें महिलाओं के प्रति सोच खराब है, वह बिगड़ेल हैं, लेकिन निर्देशक संदीप रेड्डी वागा ने ये ग्लोरीफाई करते दिखाया है कि ऐसा लगता है कि कबीर यह सब हरकत कर हीरोगनी
दिखा रहा है, बहुत ही बड़ा काम कर रहा है और ये बात फिल्म देखते समय अखरती है। कहीं ना कहीं ये मैसेज जाता है कि किसी लड़की को पाना तो आप उसके पीछे पड़ जाओ और ये मान ही जाएगी। यह कबीर दादागिरी से प्रीत का दिल जीतने की कोशिश करता है, लेकिन कबीर के बारे में दोस्त कहते हैं कि यह वह रेलवे स्टेशन पर बिना कपड़े के घूमे तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी। फिल्म में एक नामी हीरोइन इलाहिज कराने कबीर के पास जाती है और वो भी चंद मुलाकातों के कबीर के साथ फिजिकल रिलेशनशिप के लिए राजी हो जाती हैं। आखिर कबीर ने ऐसा क्यों किया? जो लड़की उस पर मरने लगती है ये बात समझने से परे है। शराब पीकर सरजनी करने वाले सीन भी जस्ते नहीं हैं, लेकिन इन्हें यह कहकर जस्टिफाई करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन नशे की हालत में कबीर ने किसी मरीज को नुकसान नहीं पहुंचाया। फिल्म की लंबी भी अखरने वाली यह है कि लगभग 3 घंटे की फिल्म का आखिरी घंटा दोहराया का शिकार है कबीर का। लगता शराब लगातार शराब पीने का और इनसे लेकर कभी दोस्ती तो कभी भाई का टोकना, ये बार बार चलता रहता था। फिल्म ठहर जाती है। निर्देशक संदीप रेड्डी वागा ने फिल्म को स्टाइलिस्ट बनाने के लिए और गति तेज रखी है ताकि स्क्रिप्ट की बुराइयां छिप जाए। इन्होंने अर्जुन रेड्डी का भी निर्देशन किया था और लगभग वैसे ही सीन दर सीन फिल्म मामूली बदलाव के साथ बनाई गई है। फिल्म का अंत कुछ अलग करने का साहस वे नहीं जुटा पाए। एक नकारात्मक किरदार थे, यदि फिल्म के अंत में वह सब पहले जो चाहते हैं तो ये बात ठीक नहीं कही सकती। फिल्म का संगीत उम्दा है और बैकग्राउंड में चलने गाने अच्छे लगते हैं। सिनेमाटोग्राफी शानदार है, लेकिन एडिटिंग टाइट नहीं है। शाहिद कपूर ने गुसेल और बिगड़ेल कबीर की भूमिका अच्छे से निभाई है, लेकिन कहीं कहीं यह किरदार उससे छूटता भी दिखता है। कई दृश्य में उन्होंने भावनाओं को तीव्रता के साथ पेश किया है, लेकिन किरारा अडरानी कोर्स खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए। इनके पास ज्यादा करने के लिए कुछ था भी नहीं। पूरी फिल्म का फोकस शाहिद पर रहा, इसलिए अन्य कलाकारों को खास अवसर नहीं मिला है। स्टाइलकार शाहिद कपूर, किराया अंडवाणी और सुरेश ओबराय और निर्देशक संपादक वागा ने निर्माता मुराद खेतानी, असिन ट्रवाडे और भूषण कुमार और कृष्ण कुमार, सुभाष शेट्टी साहब बॉलीवुड डेस्ट, कबीर सिंह तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी की हिंदी रीमेक हैं। यह ओरिजिनल फिल्म को डायरेक्टर करने वाले संदीप वागा ने ही कबीर सिंह का निर्देशन किया है। यह एक ऐसा होनहार मेडिकल स्टूडेंट की जिंदगी बताता है जो कि लड़कियों के चक्कर में अपने जीवन करियर सब बर्बाद कर लेते हैं। कहानी कबीर सिंह के इर्द गिर्द घुमाती हैं जो कि प्रतिभाशाली हैं और दिल्ली मेडिकल कॉलेज को इसलिए चुनता है कि क्योंकि वह वहाँ की सदी बहुत पसंद हैं। कबीर सिंह का किरदार काफ़ी रोचक और वह एक रईस खानदान से ताल्लुक रखते हैं और हमेशा वही करते हैं जो उसे सही लगता है। जब कॉलेज के डीन आदिन हुसैन सलाह देते हैं कि उसे अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए तो वह तर्क देते हैं कि उसकी लड़ाई नई सांफी के खिलाफ होती है। कबीर सिंह को अपने कॉलेज में आए 19 साल से की मेडिकल स्टूडेंट प्रीत से भी पहली नज़र में प्यार हो जाता है और प्यार इस हद तक बढ़ जाता है कि कबीर सिंह प्रीत को लेकर जुनून हो जाते हैं। जब प्रीत का परिवार कबीर को स्वीकार करते हैं इनकार कर देते हैं तो वह अपना आभा खो बैठते हैं। बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और कबीर के पिता
सुरेश ओबराय उसे घर से निकाल देते हैं। कबीर का दोस्त शिवा हर हाल में उसका साथ देता है। कबीर के करीबी लोग बार बार उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह खुद को बर्बाद कर लेता है। कबीर में हीरो जैसी कोई बात नहीं थी। वो रईस बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था और गर्लफ्रेंड को अपनी संपत्ति समझता था। वागा ये कहीं भी नहीं जानता था कि उसका हीरो परफेक्ट है। ओरिजिनल फिल्म के हीरो विजय देवकोंडा जैसे पर्सनैलिटी और एडिटिंग शाहिद कपूर में भी नहीं है। फिल्म भी उनकी कड़ी मेहनत साफ दिखती है। उन्हें फिल्म में एक यंग स्टूडेंट और फिल्म शराबी डायरेक्टर की भूमिका निभाता है, जो कि उन्हें बखूरी निभाई है। किराया ओडवानी ने अच्छे स्पोस्ट दिए हैं, लेकिन वो 19 साल की मासूम लड़की नहीं दिखती हैं। स्पोर्टिंग कास्ट जैसे सोहत मजबूतदार मजेदार सुरेश ओबराय और निकिता दक्षता ने ज़बरदस्त काम किया है। इसका फिल्म का रिव्यू है 33 के करियर में मील का पत्थर बनी कबीर सिंह इसे स्टार्ट पाकर जीता बॉक्स ऑफर। मूवी का रिव्यू है कबीर सिंह और कलाकार हैं शाहिद कपूर किराना ओडवाणा। इस फिल्म को रेटिंग मिली है 1-2 और OTT पर रिलीज हो चुकी अर्जुन रेड्डी को अंग्रेजी सब टाइटल के साथ देखने के लिए कबीर सिंह को भी देखना किसी कौतूहल से कम नहीं होता है। उत्साहिकता का इस बात की रही है कि शाहिद कपूर एक ब्लॉकस्टर फिल्म के हीरो विजय देवकोंडा जैसे ही गुसेल और आत्महत्या हीरो देख सकते हैं, क्योंकि मुंबई में पति बड़ी किराया ओडवाणी में वैसे ही शोभनता और शालीनता और सादगी दिख सकती हैं जैसे कि जबलपुर की सोलिनी पांडे ने अर्जुन रेड्डी में दिखाई थी। और क्या निर्देशक संपीते वागा रेड्डी अपने ही फिल्म के हिंदी रेमिंग में अपनी ही कहानी को उतनी ही ईमानदारी से पेश करते हैं में कामयाब रहते हैं जितने वह अपनी फिल्म अर्जुन रेड्डी में रहेंगे? इन 3 सवालों में से 2 पर आप हरा निशान लगा सकते हैं, और यही 2 वजह हैं कबीर सिंह को एक कामयाबी फिल्म बनानी है। शाहिद कपूर ने अपने हर इंटरव्यू में कबीर सिंह को बताया है कि कबीर सिंह फिल्म में दिखता भी वैसा है। एक हुसैन सरजनी अपनी एक जूनियर से पहली नज़र में ही प्यार कर बैठती हैं, और जूनियर बकरी जैसी एक नहीं बोलती हैं न सींग मारती हैं और बस हर बात पर वह सिर हिलाती हैं। सीनियर सरेआम उसे किच कर लेता है, तब भी वह विरोध नहीं करती हैं। और एक दिन इसके घर वालों ने उसके किसी दूसरे खूंटे से बंधे बांध देते हैं और अपनी प्रेमिका की शादी कहीं और हो जाती हैं। बाद में कबीर सिंह बिहोरा जाते हैं, नशे में खुद को डुबा देते हैं, पर साल में 300 बेहतरीन सर्जरी का रिकॉर्ड है उसके पास। उसका अपना ही क्लिनिक उसके खिलाफ होता है तो उसे भीतर का जमाना जागता है। वह सब कुछ छोड़कर घर लौटता है। घर की हर बागी का असली आसरा होता है। और फिल्म में ये बहुत ही सरल तरीके से कहा जाता है कि कबीर सिंह बदलता है तो वह जिंदगी में नशे नए चश्मे में दिखता है। उसे समझ आता है कि दुनिया वही है, बस उसका चश्मा ही पुराना हो गया है। निर्देशक संपादकीय वागा रेड्डी ने एक हताश और निताश प्रेमी के सीन में ज्वालामुखी भरा है। वह जब तक यही वहाँ किसी न किसी बात पर फटकता रहता है, जिनके सीने में कहने को तो बहुत कुछ होता है पर वह कुछ नहीं बोल पाता है, तो अपने गुस्से को खुद ही मारता है। संदीप के निर्देशक में किस्मा गोई का गजब का टैलेंट है, बस उनके महिलाओं का किरदार जमाने के साथ नहीं चलता। मेडिकल कॉलेज की एक लड़की को फिल्म का हीरो जब जहाँ चाहे वहाँ से उठा लेता है और जब जहाँ चाहे वहाँ सूम लेता है और लड़की बकरी बननी रहती हैं। संदीप की फिल्म की पूरी तरह से उनके हीरो की फिल्म है।
निर्देशक वह है कि बस कबीर के दोस्तों का मौका देता है और पर्दे पर चमकता है, बाकी सारे किरदार कब आए कब गए कहानी सोचने भी नहीं। कलाकारों के शाहिद कपूर ने इसी किरदार में अपने सब कुछ झोंक देते हैं। कमीने हैदर और उड़ता पंजाब के बाद शाहिद ने एक बार फिर खुद को साबित किया है कि रणवीर कपूर और रणवीर सिंह और आयुष्मान खुराना के दौर में नए संजीव कुमार बनकर उभरे हैं। एक ऐसा अभिनेता जिसके पास स्टाइलर भले ही न हो पर वह अदाकारी के मामले में सबको छुट्टी करा सकता है। किरारा अंडवाणी का चयन फिल्म की कमजोरी का देवदास को जब इसमें नाकाम हुए तो शराब में खुद को डुबोकर बर्बादी की राह पर चल पड़ा था। कुछ ऐसे ही हाल कबीर सिंह के लीडर डायरेक्टर कबीर का भी होता है। यूँ तो कबीर इश्क के नाकाम होने से पहले ही सिगरेट और शराब का तो आदि था, लेकिन जब वह प्रीत से शादी करने के असफल रहा तो दिन रात शराब ड्रग्स और सिगरेट के नशे में रहता था। यही नहीं कि पेश से सर्जन कबीर इस हालात में लगेंगे को सर्जरी भी करते हैं। कबीर सिंह दक्षिण भारतीय फिल्म अर्जुन रेड्डी का हिंदी रीमेक है। यह एक सामान्य सी प्रेम कहानी है जिसमें कबीर का किरदार कहानी को अलग बनाता है। कबीर बेहतरीन गुरसेन ये बैग भी पड़ा, ये नहीं है तो पता नहीं। यह एक सामान्य सी प्रेम कहानी है जिसमें कबीर सिंह का किरदार कहानी को अलग बनाता है। कबीर बेहतर गुसेल हैं और चंद सेकंड में वह आपा खो देते हैं। कॉलेज में उसकी धाक है और सभी उससे डरते हैं। पढ़ाई में वह टॉप है लेकिन साथ में शराब और लड़कियां उसकी कमजोरी हैं। प्रीत जब कॉलेज में एडमिशन लेता है तो कबीर उसको देखते ही दिल दे बैठता है और पूरे कॉलेज में अनाउंस कर देता है कि ये बंदी मेरी है, कोई उसे परेशान नहीं करेगा। प्रीत चुप रहने वाली लड़की है, कबीर उसे पढ़ाता है और घुमाता है। जब उसे चोट लग जाती है तो वो और बॉयज हॉस्टल में अपने रूम में ले जाता है और मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए कबीर दूसरे शहर के कॉलेज में एडमिशन लेता है और प्रीत के बिना वह रह नहीं पाता है। यही हाल प्रीत का होता है। दोनों शादी का फैसला लेते हैं लेकिन ये आसान नहीं है। कहानी में कुछ बातें अपहजितजनक हैं। कबीर लड़कियों को अपनी जागीर समझता है। प्रीत को देखकर वह कह देता है कि प्रीत उसकी है, बस हो गया फैसला, प्रीत क्या चाहती है। यही कोई नहीं पूछता कि इन फिल्म में कबीर की सोच महिलाओं के प्रति अच्छी नहीं है, पर वह महिलाओं के बारे में एक ही तरह की सोच रखता है। वक्त आने पर वह लड़की के कपड़े चाकू की नोक पर भी उतार लेता है। फिल्म देखने ते समय ज़्यादातर लोगों को प्रीत बेहद मासूम नज़र आएगी लेकिन वो मासूमियत नहीं, हीरोइन का दपन है। कबीर ने उसे देखते ही कहा कि यह मेरी है, वह कोई विरोधी नहीं करेगा। कबीर उसे क्लास से बाहर ले जाता है और वह चुपचाप चली जाती है। कबीर उसे अपने रूम में ले जाकर सीमाएं पार कर जाता है और तो वह भी कुछ नहीं बोलती। अब इसमें मासूमियत टूटता तो मूर्खतापूर्ण बात है। कबीर और प्रीत की लव स्टोरी एक तरफ अलग है। फिल्म देखते समय ऐसा लगता है कि कबीर का साथ प्रीत केवल इसीलिए देती है कि क्योंकि वह उससे डरती थी। वैसे भी कबीर और प्रीत की लव स्टोरी के बजाय निर्देश और लेखक ने कबीर की आत्मा विनाश को ज़्यादा फुटेज दिए हैं। इसी बहाने उन्हें कबीर की दिमागी हालत दिखाने का खूब मौका मिला है और कबीर की हरकतों से उन्हें मनोरंजन पैदा करने की कोशिश भी की है। चलिए यह मान लिया कि यह एक ऐसे किरदार की कहानी है जिसमें महिलाओं के प्रति सोच खराब है, वह बिगड़ेल हैं, लेकिन निर्देशक संदीप रेड्डी वागा ने ये ग्लोरीफाई करते दिखाया है कि ऐसा लगता है कि कबीर ये सब हरकत कर
हीरोगनी दिखा रहा है, बहुत ही बड़ा काम कर रहा है और यह बात फिल्म देखते समय अखरती है। कहीं ना कहीं ये मैसेज जाता है कि किसी लड़की को पाना तो आप उसके पीछे पड़ जाओ और ये मान ही जाएगी। यह कबीर दादागिरी से प्रीत का दिल जीतने की कोशिश करता है, लेकिन कबीर के बारे में दोस्त कहते हैं कि यह वह रेलवे स्टेशन पर बिना कपड़े के घूमे तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी। फिल्म में एक नामी हीरोइन इलाहिज कराने कबीर के पास जाती है और वो भी चंद मुलाकातों के कबीर के साथ फिजिकल रिलेशनशिप के लिए राजी हो जाती है। आखिर कबीर ने ऐसा क्यों किया? जो लड़की उस पर मरने लगती है ये बात समझने से परे है। शराब पीकर सरजनी करने वाले सीन भी जस्ते नहीं हैं, लेकिन इन्हें यह कहकर जस्टिफाई करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन नशे की हालत में कबीर ने किसी मरीज को नुकसान नहीं पहुंचाया। फिल्म की लंबी भी अखरने वाली यह है कि लगभग 3 घंटे की फिल्म का आखिरी घंटा दोहराया का शिकार है कबीर का। लगातार शराब पीने का और इनसे लेकर कभी दोस्ती तो कभी भाई का टोकना, ये बार बार चलता रहता था। फिल्म ठहर जाती है। निर्देशक संदीप रेड्डी वागा ने फिल्म को स्टाइलिश बनाने के लिए और गति तेज रखी है ताकि स्क्रिप्ट की बुराइयां छिप जाए। इन्होंने अर्जुन रेड्डी का भी निर्देशन किया था और लगभग वैसे ही सीन दर सीन फिल्म मामूली बदलाव के साथ बनाई गई है। फिल्म का अंत कुछ अलग करने का साहस वे नहीं जुटा पाए। एक नकारात्मक किरदार थे, यदि फिल्म के अंत में वह सब पहले जो चाहते हैं तो ये बात ठीक नहीं कही सकती। फिल्म का संगीत उम्दा हैं और बैकग्राउंड में चलने गाने अच्छे लगते हैं। सिनेमाटोग्राफी शानदार हैं, लेकिन एडिटिंग टाइट नहीं है। शाहिद कपूर ने गुसेल और बिगड़ेल कबीर की भूमिका अच्छे से निभाई है, लेकिन कहीं कहीं ये किरदार उससे छूटता भिन्न दिखता है। कई दृश्य में उन्होंने भावनाओं को तीव्रता के साथ पेश किया है, लेकिन किरारा अडरानी कोर्स खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए। इनके पास ज्यादा करने के लिए कुछ था भी नहीं। पूरी फिल्म का फोकस शाहिद पर रहा, इसलिए अन्य कलाकारों को खास अवसर नहीं मिला है। स्टाइलकार शाहिद कपूर, किराया अंडवाणी और सुरेश ओबराय और निर्देशक संपादक वागा ने निर्माता मुराद खेतानी, असीन ट्रवाडे और भूषण कुमार और कृष्ण कुमार, सुभाष शेट्टी साहब बॉलीवुड डेस्ट कबीर सिंह तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी की हिंदी रीमेक हैं। यह ओरिजिनल फिल्म को डायरेक्टर करने वाले संदीप वागा ने ही कबीर सिंह का निर्देशन किया है। यह एक ऐसा होनहार मेडिकल स्टूडेंट की जिंदगी बताता है जो कि लड़कियों के चक्कर में अपने जीवन करियर सब बर्बाद कर लेते हैं। कहानी कबीर सिंह के इर्द गिर्द घुमाती है, जो कि प्रतिभाशाली हैं और दिल्ली मेडिकल कॉलेज को इसलिए चुनता है कि क्योंकि वह वहाँ की सदी बहुत पसंद हैं। कबीर सिंह का किरदार काफ़ी रोचक और वह एक रईस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और हमेशा वही करते हैं जो उसे सही लगता है। जब कॉलेज के डीन आदिन हुसैन सलाह देते हैं कि उसे अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए तो वह तर्क देते हैं कि उसकी लड़ाई नई सांफी के खिलाफ होती है। कबीर सिंह को अपने कॉलेज में आए 19 साल से की मेडिकल स्टूडेंट प्रीत से भी पहली नज़र में प्यार हो जाता है और प्यार इस हद तक बढ़ जाता है कि कबीर सिंह प्रीत को लेकर जुनून हो जाते हैं। जब प्रीत का परिवार कबीर को स्वीकार करते हैं इनकार कर देते हैं तो वह अपना आभा खो बैठते हैं। बात हद से ज़्यादा
बढ़ जाती है और कबीर के पिता सुरेश ओबराय उसे घर से निकाल देते हैं। कबीर का दोस्त शिवा हर हाल में उसका साथ देता है। कबीर के करीबी लोग बार बार उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह खुद को बर्बाद कर लेता है। कबीर में हीरो जैसी कोई बात नहीं थी। वो रईस बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था और गर्लफ्रेंड को अपनी संपत्ति समझता था। वागा ये कहीं भी नहीं जानता था कि उसका हीरो परफेक्ट है। ओरिजिनल फिल्म के हीरो विजय देवकोंडा जैसे पर्सनैलिटी और एडिटिंग शाहिद कपूर में भी नहीं है। फिल्म भी उनकी कड़ी मेहनत साफ दिखती हैं। उन्हें फिल्म में एक यंग स्टूडेंट और फिल्म शराबी डायरेक्टर की भूमिका निभाता है, जो कि उन्हें बखूरी निभाई है। किराया ऑर्बानी ने अच्छे स्पोस्ट दिए हैं, लेकिन वो 19 साल की मासूम लड़की नहीं दिखती हैं। स्पोर्टिंग कास्ट जैसे बहुत मजबूत दार मज़ेदार सुरेश ओबराय और निकिता दक्षता ने ज़बरदस्त काम किया है। इसका फिल्म का रिव्यू है 33 के करियर में मील का पत्थर बने कबीर सिंह इसे स्टार्ट पाकर जीता बॉक्स ऑफर। मूवी का रिव्यू है कबीर सिंह और कलाकार हैं शाहिद कपूर किराना ओडवाणा। इस फिल्म को रेटिंग मिली है 1-2 और OTT पर रिलीज हो चुकी अर्जुन रेड्डी को अंग्रेजी सब टाइटल के साथ देखने के लिए कबीर सिंह को भी देखना किसी कौतूहल से कम नहीं होता है। उत्साहिकता का इस बात की रही है कि शाहिद कपूर एक ब्लॉकस्टर फिल्म के हीरो विजय देवकोंडा जैसे ही गुसेल और आत्महत्या हीरो देख सकते हैं, क्योंकि मुंबई में पति बड़ी किराया ओडवाणी में वैसे ही शोभनता और शालीनता और सादगी दिख सकती हैं, जैसे कि जबलपुर की सोलिनी पांडे ने अर्जुन रेड्डी में दिखाई थी। और क्या निर्देशक संपीते वागा रेड्डी अपने ही फिल्म के हिंदी रेमिंग में अपनी ही कहानी को उतनी ही ईमानदारी से पेश करते हैं में कामयाब रहते हैं जितने वह अपनी फिल्म अर्जुन रेड्डी में रहेंगे? इन 3 सवालों में से 2 पर आप हरा निशान लगा सकते हैं, और यही 2 वजह हैं कबीर सिंह को एक कामयाबी फिल्म बनानी है। शाहिद कपूर ने अपने हर इंटरव्यू में कबीर सिंह को बताया है कि कबीर सिंह फिल्म में दिखता भी वैसा है। एक गुसेल सजनी अपनी एक जूनियर से पहली नज़र में ही प्यार कर बैठती हैं, और जूनियर बकरी जैसी एक नहीं बोलती हैं न सींग मारती हैं और बस हर बात पर वह सिर हिलाती हैं। सीनियर सरेआम उसे किच कर लेता है, तब भी वह विरोध नहीं करती हैं। और एक दिन इसके घर वालों ने उसके किसी दूसरे खूंटे से बंधे बांध देते हैं और अपनी प्रेमिका की शादी कहीं और हो जाती हैं। बाद में कबीर सिंह बिहरा जाते हैं, नशे में खुद को डुबा देते हैं, पर साल में 300 बेहतरीन सर्जरी का रिकॉर्ड है उसके पास। उसका अपना ही क्लिनिक उसके खिलाफ होता है तो उसे भीतर का जमाना जागता है। वह सब कुछ छोड़कर घर लौटता है। घर की हर बागी का असली आसरा होता है, और फिल्म में ये बहुत ही सरल तरीके से कहा जाता है कि कबीर सिंह बदलता है तो वह जिंदगी में नशे नए चश्मे में दिखता है। उसे समझ आता है कि दुनिया वही है, बस उसका चश्मा ही पुराना हो गया है। निर्देशक संपत्ति वागा रेड्डी ने एक हताश और निताश प्रेमी के सीन में ज्वालामुखी भरा है। वह जब तक यही वहाँ किसी न किसी बात पर फटकता रहता है। जिनके सीने में कहने को तो बहुत कुछ होता है पर वह कुछ नहीं बोल पाता है तो अपने गुस्से को खुद ही मारता है। संदीप के निर्देशक में किस्मा गोई का गजब का टैलेंट है, बस उनके महिलाओं का किरदार जमाने के साथ नहीं चलता। मेडिकल कॉलेज की एक लड़की को फिल्म का हीरो जब जहाँ चाहे वहाँ से उठा लेता है और जब जहाँ चाहे वहाँ सूंघ लेता है और लड़की बकरी बननी रहती हैं। संदीप की फिल्म की पूरी तरह से उनके हीरो
की फिल्म है। निर्देशक वह है कि बस कबीर के दोस्तों का मौका देता है और पर्दे पर चमकता है, बाकी सारे किरदार कब आए कब गए कहानी सोचने भी नहीं। कलाकारों के शाहिद कपूर ने इसी किरदार में अपनी सब कुछ झोंक देते हैं। कमीने हैदर और उड़ता पंजाब के बाद शाहिद ने एक बार फिर खुद को साबित किया है कि रणवीर कपूर और रणवीर सिंह और आयुष्मान खुराना के दौर में नए संजीव कुमार बनकर उभरे हैं। एक ऐसा अभिनेता जिसके पास स्टाइलर भले ही न हो पर वह अदाकारी के मामले में सबको छुट्टी करा सकता है। किरारा अंडवाणी का चयन फिल्म की कमजोरी का देवदास को जब इसमें नाकाम हुए तो शराब में खुद को डुबोकर बर्बादी की राह पर चल पड़ा था। कुछ ऐसे ही हाल कबीर सिंह के लीडर डायरेक्टर कबीर का भी होता है। यूँ तो कबीर इसके नाकाम होने से पहले ही सिगरेट और शराब का तो आदि था, लेकिन जब वह प्रीत से शादी करने के असफल रहा तो दिन रात शराब ड्रग्स और सिगरेट के नशे में रहता था। यही नहीं के पेश से सर्जन कबीर इस हालात में लगे गए को सर्जरी भी करते हैं। कबीर सिंह दक्षिण भारतीय फिल्म अर्जुन रेड्डी का हिंदी रीमेक है। यह एक सामान्य सी प्रेम कहानी है जिसमें कबीर का किरदार कहानी को अलग बनाता है। कबीर बेहतरीन गुरसेन ये बैग भी पड़ा, ये नहीं है तो पता नहीं। यह एक सामान्य सी प्रेम कहानी है जिसमें कबीर सिंह का किरदार कहानी को अलग बनाता है। कबीर बेहतर गुसेल हैं और चंद सेकंड में वह आपा खो देते हैं। कॉलेज में उसकी धाक है और सभी उससे डरते हैं। पढ़ाई में वह टॉप है लेकिन साथ में शराब और लड़कियां उसकी कमजोरी हैं। प्रीत जब कॉलेज में एडमिशन लेता है तो कबीर उसको देखते ही दिल दे बैठता है और पूरे कॉलेज में अनाउंस कर देता है कि ये बंदी मेरी है, कोई उसे परेशान नहीं करेगा। प्रीत चुप रहने वाली लड़की है, कबीर उसे पढ़ाता है और घुमाता है। जब उसे चोट लग जाती है तो वो और बॉयज हॉस्टल में अपने रूम में ले जाता है और मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए कबीर दूसरे शहर के कॉलेज में एडमिशन लेता है और प्रीत के बिना वह रह नहीं पाता है। यही हाल प्रीत का होता है। दोनों शादी का फैसला लेते हैं लेकिन ये आसान नहीं है। कहानी में कुछ बातें अपहजितजनक हैं। कबीर लड़कियों को अपनी जागीर समझता है। प्रीत को देखकर वह कह देता है कि प्रीत उसकी है, बस हो गया फैसला, प्रीत क्या चाहती है। यही कोई नहीं पूछता कि इन फिल्म में कबीर की सोच महिलाओं के प्रति अच्छी नहीं है, पर वह महिलाओं के बारे में एक ही तरह की सोच रखता है। वक्त आने पर वह लड़की के कपड़े चाकू की नोक पर भी उतार लेता है। फिल्म देखने ते समय ज़्यादातर लोगों को प्रीत बेहद मासूम नज़र आएगी, लेकिन वो मासूमियत नहीं, हीरोइन का दपन है। कबीर ने उसे देखते ही कहा कि यह मेरी है, वह कोई विरोधी नहीं करेगा। कबीर उसी क्लास से बाहर ले जाता है और वह चुपचाप चली जाती है। कबीर उसे अपने रूम में ले जाकर सीमाएं पार कर जाता है और तो वह भी कुछ नहीं बोलती। अब इसमें मासूमियत टूटता तो मूर्खतापूर्ण बात है। कबीर और प्रीत की लव स्टोरी एक तरफ अलग है। फिल्म देखते समय ऐसा लगता है कि कबीर का साथ प्रीत केवल इसीलिए देती है कि क्योंकि वह उससे डरती थी। वैसे भी कबीर और प्रीत की लव स्टोरी के बजाय निर्देश और लेखक ने कबीर की आत्मा विनाश को ज़्यादा फुटेज दिए हैं। इसी बहाने उन्हें कबीर की दिमागी हालत दिखाने का खूब मौका मिला है और कबीर की हरकतों से उन्हें मनोरंजन पैदा करने की कोशिश भी की है। चलिए यह मान लिया कि यह एक ऐसे किरदार की कहानी है जिसमें महिलाओं के प्रति सोच खराब है, वह बिगड़ेल हैं, लेकिन निर्देशक संदीप रेड्डी वागा ने ये ग्लोरीफाई करते दिखाया है कि
ऐसा लगता है कि कबीर ये सब हरकत कर हीरोगनी दिखा रहा है, बहुत ही बड़ा काम कर रहा है और ये बात फिल्म देखते समय अखरती है। कहीं ना कहीं ये मैसेज जाता है कि किसी लड़के को पाना तो आप उसके पीछे पड़ जाओ और ये मान ही जाएगी। यह कबीर दादागिरी से प्रीत का दिल जीतने की कोशिश करता है, लेकिन कबीर के बारे में दोस्त कहते हैं कि यह वह रेलवे स्टेशन पर बिना कपड़े के घूमे तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी। फिल्म में एक नामी हीरोइन इलाहिज कराने कबीर के पास जाती है और वो भी चंद मुलाकातों के कबीर के साथ फिजिकल रिलेशनशिप के लिए राजी हो जाती है। आखिर कबीर ने ऐसा क्यों किया? जो लड़की उस पर मरने लगती है ये बात समझने से परे है। शराब पीकर सरजनी करने वाले सीन भी जस्ते नहीं हैं, लेकिन इन्हें यह कह कर जस्टिफाई करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन नशे की हालत में कबीर ने किसी मरीज को नुकसान नहीं पहुंचाया। फिल्म की लंबी भी अखरने वाली यह है कि लगभग 3 घंटे की फिल्म का आखिरी घंटा दोहराया का शिकार है कबीर का। लगता शराब लगातार शराब पीने का और इनसे लेकर कभी दोस्ती तो कभी भाई का टोकना, ये बार बार चलता रहता था। फिल्म ठहर जाती है। निर्देशक संदीप रेड्डी वागा ने फिल्म को स्टाइलिश बनाने के लिए और गति तेज रखी है ताकि स्क्रिप्ट की बुराइयां छिप जाए। इन्होंने अर्जुन रेड्डी का भी निर्देशन किया था और लगभग वैसे ही सीन दर सीन फिल्म मामूली बदलाव के साथ बनाई गई है। फिल्म का अंत कुछ अलग करने का साहस वे नहीं जुटा पाए। एक नकारात्मक किरदार थे, यदि फिल्म के अंत में वह सब पहले जो चाहते हैं तो ये बात ठीक नहीं कही सकती। फिल्म का संगीत उम्दा है और बैकग्राउंड में चलने गाने अच्छे लगते हैं। सिनेमाटोग्राफी शानदार है, लेकिन एडिटिंग टाइट नहीं है। शाहिद कपूर ने गुस्सेल और बिगड़ेल कबीर की भूमिका अच्छे से निभाई है, लेकिन कहीं कहीं यह किरदार उससे छूटता भी दिखता है। कई दृश्य में उन्होंने भावनाओं को तीव्रता के साथ पेश किया है, लेकिन किरारा अडरानी कोर्स खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए। इनके पास ज्यादा करने के लिए कुछ था भी नहीं। पूरी फिल्म का फोकस शाहिद पर रहा, इसलिए अन्य कलाकारों को खास अवसर नहीं मिला है। स्टाइलकार शाहिद कपूर, किराया अंडवाणी और सुरेश ओबराय और निर्देशक संपादक वागा ने निर्माता मुराद खेतानी, अश्विन त्रिवाड़े और भूषण कुमार और कृष्ण कुमार, सुभाष शेट्टी साहब बॉलीवुड डेस्ट कबीर सिंह तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी की हिंदी रीमेक हैं। यह ओरिजिनल फिल्म को डायरेक्टर करने वाले संदीप वागा ने ही कबीर सिंह का निर्देशन किया है। यह एक ऐसा होनहार मेडिकल स्टूडेंट की जिंदगी बताता है जो कि लड़कियों के चक्कर में अपने जीवन करियर सब बर्बाद कर लेते हैं। कहानी कबीर सिंह के इर्द गिर्द घुमाती हैं जो कि प्रतिभाशाली हैं और दिल्ली मेडिकल कॉलेज को इसलिए चुनता है कि क्योंकि वह वहाँ की सदी बहुत पसंद हैं। कबीर सिंह का किरदार काफ़ी रोचक और वह एक रईस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और हमेशा वही करते हैं जो उसे सही लगता है। जब कॉलेज के डीन आदिन हुसैन सलाह देते हैं कि उसे अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए तो वह तर्क देते हैं कि उसकी लड़ाई नई सांफी के खिलाफ होती है। कबीर सिंह को अपने कॉलेज में आए 19 साल से कि मेडिकल स्टूडेंट प्रीत से भी पहली नज़र में प्यार हो जाता है और प्यार इस हद तक बढ़ जाता है कि कबीर सिंह प्रीत को लेकर जुनून हो जाते हैं। जब प्रीत का परिवार कबीर को स्वीकार करते हैं इनकार कर देते हैं तो वह अपना आभा खो बैठते हैं।
बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और कबीर के पिता सुरेश ओबराय उसे घर से निकाल देते हैं। कबीर का दोस्त शिवा हर हाल में उसका साथ देता है। कबीर के करीबी लोग बार बार उसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वह खुद को बर्बाद कर लेता है। कबीर में हीरो जैसी कोई बात नहीं थी। वो रईस बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था और गर्लफ्रेंड को अपनी संपत्ति समझता था। वागा ये कहीं भी नहीं जानता था कि उसका हीरो परफेक्ट है। ओरिजिनल फिल्म के हीरो विजय देवकोंडा जैसे पर्सनैलिटी और एडिटिंग शाहिद कपूर में भी नहीं है। फिल्म भी उनकी कड़ी मेहनत साफ दिखती है। उन्हें फिल्म में एक यंग स्टूडेंट और फिल्म शराबी डायरेक्टर की भूमिका निभाता है जो कि उन्हें बखूरी निभाई है। किराया ऑडवानी ने अच्छे स्पोस्ट दिए हैं लेकिन वो 19 साल की मासूम लड़की नहीं दिखती है। स्पोर्टिंग कास्ट जैसे बहुत मजबूत दार मज़ेदार सुरेश ओबराय और निकिता दक्षता ने ज़बरदस्त काम किया है। इसका फिल्म का रिव्यू है 33 के करियर में मील का पत्थर बने कबीर सिंह इसे स्टार्ट पाकर जीता बॉक्स ऑफर। मूवी का रिव्यू है कबीर सिंह और कलाकार हैं शाहिद कपूर किराना ओडवाणा। इस फिल्म को रेटिंग मिली है 1-2 और OTT पर रिलीज हो चुकी अर्जुन रेड्डी को अंग्रेजी सब टाइटल के साथ देखने के लिए कबीर सिंह को भी देखना किसी कौतूहल से कम नहीं होता है। उत्साहिकता का इस बात की रही है कि शाहिद कपूर एक ब्लॉकस्टर फिल्म के हीरो विजय देवकोंडा जैसे ही गुसेल और आत्महत्या हीरो देख सकते हैं क्योंकि मुंबई में पति बड़ी किराया ओंडवानी में वैसे ही शोभनता और शालीनता और सादगी दिख सकती हैं जैसे कि जबलपुर की सोलिनी पांडे ने अर्जुन रेड्डी में दिखाई थी। और क्या निर्देशक संपीते वागा रेड्डी अपने ही फिल्म के हिंदी रेमिंग में अपनी ही कहानी को उतनी ही ईमानदारी से पेश करते हैं में कामयाब रहते हैं जितने वह अपनी फिल्म अर्जुन रेड्डी में रहेंगे। इन 3 सवालों में से 2 पर आप हरा निशान लगा सकते हैं और यही 2 वजह हैं कबीर सिंह को एक कामयाबी फिल्म बनानी है। शाहिद कपूर ने अपने हर इंटरव्यू में कबीर सिंह को बताया है कि कबीर सिंह फिल्म में दिखता भी वैसा है। एक गुसेल सजनी अपनी एक जूनियर से पहली नज़र में ही प्यार कर बैठती हैं और जूनियर बकरी जैसी एक नहीं बोलती हैं न सींग मारती हैं और बस हर बात पर वह सिर हिलाती हैं। सीनियर सरेआम उसे किच कर लेता है तब भी वह विरोध नहीं करती हैं और एक दिन इसके घर वालों ने उसके किसी दूसरे खूंटे से बंधे बांध देते हैं और अपनी प्रेमिका की शादी कहीं और हो जाती हैं। बाद में कबीर सिंह बिहरा जाते हैं, नशे में खुद को डुबा देते हैं पर साल में 300 बेहतरीन सर्जरी का रिकॉर्ड है उसके पास। उसका अपना ही क्लिनिक उसके खिलाफ होता है तो उसे भीतर का जमाना जागता है। वह सब कुछ छोड़कर घर लौटता है। घर की हर बागी का असली आसरा होता है और फिल्म में ये बहुत ही सरल तरीके से कहा जाता है कि कबीर सिंह बदलता है तो वह जिंदगी में नशे नए चश्मे में दिखता है। उसे समझ आता है कि दुनिया वही है बस उसका चश्मा ही पुराना हो गया है। निर्देशक संपत्ति वागा रेड्डी ने एक हताश और निताश प्रेमी के सीन में ज्वालामुखी भरा है। वह जब तक यही वहाँ किसी न किसी बात पर फटकता रहता है। जिनके सीने में कहने को तो बहुत कुछ होता है पर वह कुछ नहीं बोल पाता है तो अपने गुस्से को खुद ही मारता है। संदीप के निर्देशक में किस्मा गोई का गजब का टैलेंट है। बस उनके महिलाओं का किरदार जमाने के साथ नहीं चलता। मेडिकल कॉलेज की एक लड़की को फिल्म का हीरो जब जहाँ चाहे वहाँ से उठा लेता है और जब चाहे वहाँ सूंघ लेता है और लड़की बकरी बननी रहती हैं।
संदीप की फिल्म की पूरी तरह से उनके हीरो की फिल्म है। निर्देशक वह है कि बस कबीर के दोस्तों का मौका देता है और पर्दे पर चमकता है, बाकी सारे किरदार कब आए कब गए कहानी सोचने भी नहीं। कलाकारों के शाहिद कपूर ने इसी किरदार में अपनी सब कुछ झोंक देते हैं। कमीने हैदर और उड़ता पंजाब के बाद शाहिद ने एक बार फिर खुद को साबित किया है कि रणवीर कपूर और रणवीर सिंह और आयुष्मान खुराना के दौर में नए संजीव कुमार बनकर उभरे हैं। एक ऐसा अभिनेता जिसके पास स्टाइलर भले ही न हो पर वह अदाकारी के मामले में सबको छुट्टी करा सकता है। किरारा अंडवाणी का चयन फिल्म की कमजोरी का देवदास को जब इसमें नाकाम हुए तो शराब में खुद को डुबोकर बर्बादी की राह पर चल पड़ा था। कुछ ऐसे ही हाल कबीर सिंह के लीडर डायरेक्टर कबीर का भी होता है। यूँ तो कबीर इसके नाकाम होने से पहले ही सिगरेट और शराब का तो आदि था, लेकिन जब वह प्रीत से शादी करने के असफल रहा तो दिन रात शराब ड्रग्स और सिगरेट के नशे में रहता था। यही नहीं कि पेश से सर्जन कबीर इस हालात में लगे गए को सर्जरी भी करते हैं। कबीर सिंह दक्षिण भारतीय फिल्म अर्जुन रेड्डी का हिंदी रीमेक है। यह एक सामान्य सी प्रेम कहानी है जिसमें कबीर का किरदार कहानी को अलग बनाता है। कबीर बेहतरीन गुरसेन ये बैग भी पड़ा, ये नहीं है तो पता नहीं। यह एक सामान्य सी प्रेम कहानी है जिसमें कबीर सिंह का किरदार कहानी को अलग बनाता है। कबीर बेहतर गुसेल हैं और चंद सेकंड में वह आपा खो देते हैं। कॉलेज में उसकी धाक है और सभी उससे डरते हैं। पढ़ाई में वह टॉप है लेकिन साथ में शराब और लड़कियां उसकी कमजोरी हैं। प्रीत जब कॉलेज में एडमिशन लेता है तो कबीर उसको देखते ही दिल दे बैठता है और पूरे कॉलेज में अनाउंस कर देता है कि ये बंदी मेरी है, कोई उसे परेशान नहीं करेगा। प्रीत चुप रहने वाली लड़की है, कबीर उसे पढ़ाता है और घुमाता है। जब उसे चोट लग जाती है तो वो और बॉयज़ हॉस्टल में अपने रूम में ले जाता है और मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए कबीर दूसरे शहर के कॉलेज में एडमिशन लेता है और प्रीत के बिना वह रह नहीं पाता है। यही हाल प्रीत का होता है। दोनों शादी का फैसला लेते हैं लेकिन ये आसान नहीं है। कहानी में कुछ बातें अपराजितजनक हैं। कबीर लड़कियों को अपनी जागीर समझता है। प्रीत को देखकर वह कह देता है कि प्रीत उसकी है, बस हो गया फैसला, प्रीत क्या चाहती है। यही कोई नहीं पूछता कि इन फिल्म में कबीर की सोच महिलाओं के प्रति अच्छी नहीं है, पर वह महिलाओं के बारे में एक ही तरह की सोच रखता है। वक्त आने पर वह लड़की के कपड़े चाकू की नोक पर भी उतार लेता है। फिल्म देखने ते समय ज़्यादातर लोगों को प्रीत बेहद मासूम नज़र आएगी, लेकिन वो मासूमियत नहीं, हीरोइन का दपुन है। कबीर ने उसे देखते ही कहा कि यह मेरी है, वह कोई विरोधी नहीं करेगा। कबीर उसे क्लास से बाहर ले जाता है और वह चुपचाप चली जाती है। कबीर उसे अपने रूम में ले जाकर सीमाएं पार कर जाता है और तो वो भी कुछ नहीं बोलती। अब इसमें मासूमियत टूटता तो मूर्खतापूर्ण बात है। कबीर और प्रीत की लव स्टोरी एक तरफ अलग है। फिल्म देखते समय ऐसा लगता है कि कबीर का साथ प्रीत केवल इसीलिए देती है कि क्योंकि वह उससे डरती थी। वैसे भी कबीर और प्रीत की लव स्टोरी के बजाय निर्देश और लेखक ने कबीर की आत्मा विनाश को ज़्यादा फुटेज दिए हैं। इसी बहाने उन्हें कबीर की दिमागी हालत दिखाने का खूब मौका मिला है और कबीर की हरकतों से उन्हें मनोरंजन पैदा करने की कोशिश भी की है। चलिए यह मान लिया कि यह एक ऐसे किरदार की कहानी है जिसमें महिलाओं के प्रति सोच खराब है, वह बिगड़ेल हैं, लेकिन निर्देशक संदीप रेड्डी वागा ने ये
ग्लोरीफाई करते दिखाए हैं कि ऐसा लगता है कि कबीर ये सब हरकत कर हीरोगनी दिखा रहा है, बहुत ही बड़ा काम कर रहा है और ये बात फिल्म देखते समय अखरती हैं। कहीं ना कहीं ये मैसेज जाता है कि किसी लड़के को पाना तो आप उसके पीछे पड़ जाओ और ये मान ही जाएगी। ये कबीर दादागिरी से प्रीत का दिल जीतने की कोशिश करता है, लेकिन कबीर के बारे में दोस्त कहते हैं कि यह वह रेलवे स्टेशन पर बिना कपड़े के घूमे तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी। फिल्म में एक नामी हीरोइन इलाहिज कराने कबीर के पास जाती हैं और वो भी चंद मुलाकातों के कबीर के साथ फिजिकल रिलेशनशिप के लिए राजी हो जाती हैं। आखिर कबीर ने ऐसा क्यों किया? जो लड़की उस पर मरने लगती है ये बात समझने से परे हैं। शराब पीकर सरजनी करने वाले सीन भी जस्ते नहीं हैं, लेकिन इन्हें यह कह कर जस्टिफाई करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन नशे की हालत में कबीर ने किसी मरीज को नुकसान नहीं पहुंचाया। फिल्म की लंबी भी अखरने वाली यह है कि लगभग 3 घंटे की फिल्म का आखिरी घंटा दोहराया का शिकार है कबीर का। लगता शराब लगातार शराब पीने का और इनसे लेकर कभी दोस्ती तो कभी भाई का टोकना, ये बार बार चलता रहता था। फिल्म ठहर जाती है। निर्देशक संदीप रेड्डी वागा ने फिल्म को स्टाइलिस्ट बनाने के लिए और गति तेज रखी है ताकि स्क्रिप्ट की बुराइयां चिप जाए। इन्होंने अर्जुन रेड्डी का भी निर्देशन किया था और लगभग वैसे ही सीन दर सीन फिल्म मामूली बदलाव के साथ बनाई गई है। फिल्म का अंत कुछ अलग करने का साहस वे नहीं जुटा पाए। एक नकारात्मक किरदार थे, यदि फिल्म के अंत में वह सब पहले जो चाहते हैं तो ये बात ठीक नहीं कही सकती। फिल्म का संगीत उम्दा है और बैकग्राउंड में चलने गाने अच्छे लगते हैं। सिनेमाटोग्राफी शानदार है, लेकिन एडिटिंग टाइट नहीं है। शाहिद कपूर ने गुसेल और बिगड़ेल कबीर की भूमिका अच्छे से निभाई है, लेकिन कहीं कहीं ये किरदार उससे छूटता भी दिखता है। कई दृश्य में उन्होंने भावनाओं को तीव्रता के साथ पेश किया है, लेकिन किरारा अडरानी कोर्स खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए। इनके पास ज्यादा करने के लिए कुछ था भी नहीं। पूरी फिल्म का फोकस शाहिद पर रहा, इसलिए अन्य कलाकारों को खास अवसर नहीं मिला है। स्टाइलकार शाहिद कपूर, किराया अंडवाणी और सुरेश ओबराय और निर्देशक संपादक वागा ने निर्माता मुराद खेतानी, असिन ट्रवाडे और भूषण कुमार और कृष्ण कुमार, सुभाष शेट्टी साहब बॉलीवुड डेस्ट कबीर सिंह तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी की हिंदी रीमेक हैं। यह ओरिजिनल फिल्म को डायरेक्टर करने वाले संदीप वागा ने ही कबीर सिंह का निर्देशन किया है। यह एक ऐसा होनहार मेडिकल स्टूडेंट की जिंदगी बताता है जो कि लड़कियों के चक्कर में अपने जीवन करियर सब बर्बाद कर लेते हैं। कहानी कबीर सिंह के इर्द गिर्द घुमाती हैं जो कि प्रतिभाशाली हैं और दिल्ली मेडिकल कॉलेज को इसलिए चुनता है कि क्योंकि वह वहाँ की सदी बहुत पसंद हैं। कबीर सिंह का किरदार काफ़ी रोचक और वह एक रईस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और हमेशा वही करते हैं जो उसे सही लगता है। जब कॉलेज के डीन आदिन हुसैन सलाह देते हैं कि उसे अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए तो वह तर्क देते हैं कि उसकी लड़ाई नई सांफी के खिलाफ होती है। कबीर सिंह को अपने कॉलेज में आए 19 साल से की मेडिकल स्टूडेंट प्रीत से भी पहली नज़र में प्यार हो जाता है और प्यार इस हद तक बढ़ जाता है कि कबीर सिंह प्रीत को लेकर जुनून हो जाते हैं। जब प्रीत का परिवार कबीर को स्वीकार करते हैं
इनकार कर देते हैं तो वह अपना आभा खो बैठते हैं। बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और कबीर के पिता सुरेश ओबराय उसे घर से निकाल देते हैं। कबीर का दोस्त शिवा हर हाल में उसका साथ देता है। कबीर के करीबी लोग बार बार उसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वह खुद को बर्बाद कर लेता है। कबीर में हीरो जैसी कोई बात नहीं थी। वो रईस बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था और गर्लफ्रेंड को अपनी संपत्ति समझता था। वागा ये कहीं भी नहीं जानता था कि उसका हीरो परफेक्ट है। ओरिजिनल फिल्म के हीरो विजय देवकोंडा जैसे पर्सनैलिटी और एडिटिंग शाहिद कपूर में भी नहीं है। फिल्म भी उनकी कड़ी मेहनत साफ दिखती हैं। उन्हें फिल्म में एक यंग स्टूडेंट और फिल्म शराबी डायरेक्टर की भूमिका निभाता है जो कि उन्हें बखूरी निभाई है। किराया ऑर्बानी ने अच्छे स्पोस्ट दिए हैं लेकिन वो 19 साल की मासूम लड़की नहीं दिखती हैं। स्पोर्टिंग कास्ट जैसे बहुत मजबूतदार मजेदार सुरेश ओबराय और निकिता दक्षता ने ज़बरदस्त काम किया है। इसका फिल्म का रिव्यू है 33 के करियर में मील का पत्थर बने कबीर सिंह इसे स्टार्ट पाकर जीता बॉक्स ऑफर। मूवी का रिव्यू है कबीर सिंह और कलाकार हैं शाहिद कपूर किराना ओडवाणा। इस फिल्म को रेटिंग मिली है 1-2 और OTT पर रिलीज हो चुकी अर्जुन रेड्डी को अंग्रेजी सब टाइटल के साथ देखने के लिए कबीर सिंह को भी देखना किसी कौतूहल से कम नहीं होता है। उत्साहिकता का इस बात की रही है कि शाहिद कपूर एक ब्लॉकस्टर फिल्म के हीरो विजय देवकोंडा जैसे ही गुसेल और आत्महत्या हीरो देख सकते हैं क्योंकि मुंबई में पति बड़ी किराया ओडवाणी में वैसे ही शोभनता और शालीनता और सादगी दिख सकती हैं जैसे कि जबलपुर की सोलिनी पांडे ने अर्जुन रेड्डी में दिखाई थी। और क्या निर्देशक संपीते वागा रेड्डी अपने ही फिल्म के हिंदी रेमिंग में अपनी ही कहानी को उतनी ही ईमानदारी से पेश करते हैं में कामयाब रहते हैं जितने वह अपनी फिल्म अर्जुन रेड्डी में रहेंगे। इन 3 सवालों में से 2 पर आप हरा निशान लगा सकते हैं और यही 2 वजह हैं कबीर सिंह को एक कामयाबी फिल्म बनानी है। शाहिद कपूर ने अपने हर इंटरव्यू में कबीर सिंह को बताया है कि कबीर सिंह फिल्म में दिखता भी वैसा है। एक गुसेल सजनी अपनी एक जूनियर से पहली नज़र में ही प्यार कर बैठती हैं और जूनियर बकरी जैसी एक नहीं बोलती हैं न सींग मारती हैं और बस हर बात पर वह सिर हिलाती हैं। सीनियर सरेआम उसे किच कर लेता है तब भी वह विरोध नहीं करती हैं और एक दिन इसके घर वालों ने उसके किसी दूसरे खूंटे से बंधे बांध देते हैं और अपनी प्रेमिका की शादी कहीं और हो जाती हैं। बाद में कबीर सिंह बिहरा जाते हैं नशे में खुद को डुबा देते हैं पर साल में 300 बेहतरीन सर्जरी का रिकॉर्ड है उसके पास। उसका अपना ही क्लिनिक उसके खिलाफ होता है तो उसे भीतर का जमाना जागता है। वह सब कुछ छोड़कर घर लौटता है। घर की हर बागी का असली आसरा होता है और फिल्म में ये बहुत ही सरल तरीके से कहा जाता है कि कबीर सिंह बदलता है तो वह जिंदगी में नशे नए चश्मे में दिखता है। उसे समझ आता है कि दुनिया वही है बस उसका चश्मा ही पुराना हो गया है। निर्देशक संपादकीय वागा रेड्डी ने एक हताश और निताश प्रेमी के सीन में ज्वालामुखी भरा है। वह जब तक यही वहाँ किसी न किसी बात पर फटकता रहता है जिनके सीने में कहने को तो बहुत कुछ होता है पर वह कुछ नहीं बोल पाता है तो अपने गुस्से को खुद ही मारता है। संदीप के निर्देशक में किस्मा गोई का गजब का टैलेंट है बस उनके महिलाओं का किरदार जमाने के साथ नहीं चलता। मेडिकल कॉलेज की एक लड़की को फिल्म का हीरो
जब जहाँ चाहे वहाँ से उठा लेता है और जब जहाँ चाहे वहाँ सूम लेता है और लड़की बकरी बननी रहती हैं। संदीप की फिल्म की पूरी तरह से उनके हीरो की फिल्म है। निर्देशक वह है कि बस कबीर के दोस्तों का मौका देता है और पर्दे पर चमकता है, बाकी सारे किरदार कब आए कब गए कहानी सोचने भी नहीं। कलाकारों के शाहिद कपूर ने इसी किरदार में अपनी सब कुछ झोंक देते हैं। कमीने हैदर और उड़ता पंजाब के बाद शाहिद ने एक बार फिर खुद को साबित किया है कि रणवीर कपूर और रणवीर सिंह और आयुष्मान खुराना के दौर में वह नए संजीव कुमार बनकर उभरे हैं। एक ऐसा अभिनेता जिसके पास स्टाइलर भले ही न हो पर वह अदाकारी के मामले में सबको छुट्टी करा सकता है। किरारा अंडवाणी का चयन फिल्म की कमजोरी का देवदास को जब इसमें नाकाम हुए तो शराब में खुद को डुबोकर बर्बादी की राह पर चल पड़ा था। कुछ ऐसे ही हाल कबीर सिंह के लीडर डायरेक्टर कबीर का भी होता है। यूँ तो कबीर इसके नाकाम होने से पहले ही सिगरेट और शराब का तो आदि था, लेकिन जब वह प्रीत से शादी करने के असफल रहा तो दिन रात शराब ड्रग्स और सिगरेट के नशे में रहता था। यही नहीं के पेश से सर्जन कबीर इस हालात में लगे गए को सर्जरी भी करते हैं। कबीर सिंह दक्षिण भारतीय फिल्म अर्जुन रेड्डी का हिंदी रीमेक है। यह एक सामान्य सी प्रेम कहानी है जिसमें कबीर का किरदार कहानी को अलग बनाता है। कबीर बेहतरीन गुरसेन ये बैग भी पड़ा, ये नहीं है तो पता नहीं। यह एक सामान्य सी प्रेम कहानी है जिसमें कबीर सिंह का किरदार कहानी को अलग बनाता है। कबीर बेहतर गुसेल हैं और चंद सेकंड में वह आपा खो देते हैं। कॉलेज में उसकी धाक है और सभी उससे डरते हैं। पढ़ाई में वह टॉप है लेकिन साथ में शराब और लड़कियां उसकी कमजोरी हैं। प्रीत जब कॉलेज में एडमिशन लेता है तो कबीर उसको देखते ही दिल दे बैठता है और पूरे कॉलेज में अनाउंस कर देता है कि ये बंदी मेरी है, कोई उसे परेशान नहीं करेगा। प्रीत चुप रहने वाली लड़की है, कबीर उसे पढ़ाता है और घुमाता है। जब उसे चोट लग जाती है तो वो और बॉयज हॉस्टल में अपने रूम में ले जाता है और मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए कबीर दूसरे शहर के कॉलेज में एडमिशन लेता है और प्रीत के बिना वह रह नहीं पाता है। यही हाल प्रीत का होता है। दोनों शादी का फैसला लेते हैं लेकिन ये आसान नहीं है। कहानी में कुछ बातें अपराजितजनक हैं। कबीर लड़कियों को अपनी जागीर समझता है। प्रीत को देखकर वह कह देता है कि प्रीत उसकी है, बस हो गया फैसला, प्रीत क्या चाहती है। यही कोई नहीं पूछता कि इन फिल्म में कबीर की सोच महिलाओं के प्रति अच्छी नहीं है, पर वह महिलाओं के बारे में एक ही तरह की सोच रखता है। वक्त आने पर वह लड़की के कपड़े चाकू की नोक पर भी उतार लेता है। फिल्म देखने ते समय ज़्यादातर लोगों को प्रीत बेहद मासूम नज़र आएगी लेकिन वो मासूमियत नहीं, हीरोइन का दपुन है। कबीर ने उसे देखते ही कहा कि यह मेरी है, वह कोई विरोधी नहीं करेगा। कबीर उसे क्लास से बाहर ले जाता है और वह चुपचाप चली जाती है। कबीर उसे अपने रूम में ले जाकर सीमाएं पार कर जाता है और तो वो भी कुछ नहीं बोलती। अब इसमें मासूमियत टूटता तो मूर्खतापूर्ण बात है। कबीर और प्रीत की लव स्टोरी एक तरफ अलग है। फिल्म देखते समय ऐसा लगता है कि कबीर का साथ प्रीत केवल इसीलिए देती है कि क्योंकि वह उससे डरती थी। वैसे भी कबीर और प्रीत की लव स्टोरी के बजाय निर्देश और लेखक ने कबीर की आत्मा विनाश को ज़्यादा फुटेज दिए हैं। इसी बहाने उन्हें कबीर की दिमागी हालत दिखाने का खूब मौका मिला है और कबीर की हरकतों से उन्हें मनोरंजन पैदा करने की कोशिश भी की है। चलिए यह मान लिया कि
यह एक ऐसे किरदार की कहानी है जिसमें महिलाओं के प्रति सोच खराब है, वह बिगड़ेल हैं, लेकिन निर्देशक संदीप रेड्डी वागा ने ये ग्लोरीफाई करते दिखाया है कि ऐसा लगता है कि कबीर ये सब हरकत कर हीरोगनी दिखा रहा है, बहुत ही बड़ा काम कर रहा है और ये बात फिल्म देखते समय अखरती है। कहीं ना कहीं ये मैसेज जाता है कि किसी लड़की को पाना तो आप उसके पीछे पड़ जाओ और ये मान ही जाएगी। यह कबीर दादागिरी से प्रीत का दिल जीतने की कोशिश करता है, लेकिन कबीर के बारे में दोस्त कहते हैं कि यह वह रेलवे स्टेशन पर बिना कपड़े के घूमे तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी। फिल्म में एक नामी हीरोइन इलाहिज कराने कबीर के पास जाती हैं और वो भी चंद मुलाकातों के कबीर के साथ फिजिकल रिलेशनशिप के लिए राजी हो जाती हैं। आखिर कबीर ने ऐसा क्यों किया? जो लड़की उस पर मरने लगती है ये बात समझने से परे हैं। शराब पीकर सरजनी करने वाले सीन भी जस्ते नहीं हैं, लेकिन इन्हें यह कहकर जस्टिफाई करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन नशे की हालत में कबीर ने किसी मरीज को नुकसान नहीं पहुंचाया। फिल्म की लंबी भी अखरने वाली यह है कि लगभग 3 घंटे की फिल्म का आखिरी घंटा दोहराया का शिकार है कबीर का। लगता शराब लगातार शराब पीने का और इनसे लेकर कभी दोस्ती तो कभी भाई का टोकना, ये बार बार चलता रहता था, फिल्म ठहर जाती है। निर्देशक संदीप रेड्डी वागा ने फिल्म को स्टाइलिश बनाने के लिए और गति तेज रखी है ताकि स्क्रिप्ट की बुराइयां छिप जाए। इन्होंने अर्जुन रेड्डी का भी निर्देशन किया था और लगभग वैसे ही सीन दर सीन फिल्म मामूली बदलाव के साथ बनाई गई है। फिल्म का अंत कुछ अलग करने का साहस वे नहीं जुटा पाए। एक नकारात्मक किरदार थे, यदि फिल्म के अंत में वह सब पहले जो चाहते हैं तो ये बात ठीक नहीं कही सकती। फिल्म का संगीत उम्दा हैं और बैकग्राउंड में चलने गाने अच्छे लगते हैं। सिनेमाटोग्राफी शानदार हैं, लेकिन एडिटिंग टाइट नहीं है। शाहिद कपूर ने गुसेल और बिगड़ेल कबीर की भूमिका अच्छे से निभाई है, लेकिन कहीं कहीं यह किरदार उससे छूटता भी दिखता है। कई दृश्य में उन्होंने भावनाओं को तीव्रता के साथ पेश किया है, लेकिन किरारा अडरानी कोर्स खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए। इनके पास ज्यादा करने के लिए कुछ था भी नहीं। पूरी फिल्म का फोकस शाहिद पर रहा, इसलिए अन्य कलाकारों को खास अवसर नहीं मिला है। स्टाइलकार शाहिद कपूर, किराया अंडवाणी और सुरेश ओबराय और निर्देशक संपादक वागा ने निर्माता मुराद खेतानी, असिन ट्रवाडे और भूषण कुमार और कृष्ण कुमार, सुभाष शेट्टी साहब बॉलीवुड डेस्ट कबीर सिंह तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी की हिंदी रीमेक हैं। यह ओरिजिनल फिल्म को डायरेक्टर करने वाले संदीप वागा ने ही कबीर सिंह का निर्देशन किया है। यह एक ऐसा होनहार मेडिकल स्टूडेंट की जिंदगी बताता है जो कि लड़कियों के चक्कर में अपने जीवन करियर सब बर्बाद कर लेते हैं। कहानी कबीर सिंह के इर्द गिर्द घुमाती हैं जो कि प्रतिभाशाली हैं और दिल्ली मेडिकल कॉलेज को इसलिए चुनता है कि क्योंकि वह वहाँ की सदी बहुत पसंद हैं। कबीर सिंह का किरदार काफ़ी रोचक और वह एक रईस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और हमेशा वही करते हैं जो उसे सही लगता है। जब कॉलेज के डीन आदिन हुसैन सलाह देते हैं कि उसे अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए तो वह तर्क देते हैं कि उसकी लड़ाई नई सांफी के खिलाफ होती है। कबीर सिंह को अपने कॉलेज में आए 19 साल से कि मेडिकल स्टूडेंट
प्रीत से भी पहली नज़र में प्यार हो जाता है और प्यार इस हद तक बढ़ जाता है कि कबीर सिंह प्रीत को लेकर जुनून हो जाते हैं। जब प्रीत का परिवार कबीर को स्वीकार करते हैं, इनकार कर देते हैं, तो वह अपना आभा खो बैठते हैं। बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और कबीर के पिता सुरेश ओबराय उसे घर से निकाल देते हैं। कबीर का दोस्त शिवा हर हाल में उसका साथ देता है। कबीर के करीबी लोग बार बार उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह खुद को बर्बाद कर लेता है। कबीर में हीरो जैसी कोई बात नहीं थी। वो रईस बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था और गर्लफ्रेंड को अपनी संपत्ति समझता था। वागा ये कहीं भी नहीं जानता था कि उसका हीरो परफेक्ट है। ओरिजिनल फिल्म के हीरो विजय देवकोंडा जैसे पर्सनैलिटी और एडिटिंग शाहिद कपूर में भी नहीं है। फिल्म भी उनकी कड़ी मेहनत साफ दिखती है। उन्हें फिल्म में एक यंग स्टूडेंट और फिल्म शराबी डायरेक्टर की भूमिका निभाता है, जो कि उन्हें बखूरी निभाई है। किराया ओडवानी ने अच्छे स्पोस्ट दिए हैं, लेकिन वो 19 साल की मासूम लड़की नहीं दिखती हैं। स्पोर्टिंग कास्ट जैसे सोहत मजबूतदार मजेदार सुरेश ओबराय और निकिता दक्षता ने ज़बरदस्त काम किया है। इसका फिल्म का रिव्यू है 33 के करियर में मील का पत्थर बने कबीर सिंह इसे स्टार्ट पाकर जीता बॉक्स ऑफर। मूवी का रिव्यू है कबीर सिंह और कलाकार हैं शाहिद कपूर किराना ओडवाणा। इस फिल्म को रेटिंग मिली है 1-2 और OTT पर रिलीज हो चुकी अर्जुन रेड्डी को अंग्रेजी सबटाइटल के साथ देखने के लिए कबीर सिंह को भी देखना किसी कौतूहल से कम नहीं होता है। उत्साहिकता का इस बात की रही है कि शाहिद कपूर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म के हीरो विजय देवकोंडा जैसे ही गुसेल और आत्महत्या हीरो देख सकते हैं, क्योंकि मुंबई में पति बड़ी किराया ओडवाणी में वैसे ही शोभनता और शालीनता और सादगी दिख सकती हैं जैसे कि जबलपुर की सोलिनी पांडे ने अर्जुन रेड्डी में दिखाई थी। और क्या निर्देशक संपीते वागा रेड्डी अपने ही फिल्म के हिंदी रेमिंग में अपनी ही कहानी को उतनी ही ईमानदारी से पेश करते हैं में कामयाब रहते हैं जितने वह अपनी फिल्म अर्जुन रेड्डी में रहेंगे? इन 3 सवालों में से 2 पर आप हरा निशान लगा सकते हैं और यही 2 वजह हैं कबीर सिंह को एक कामयाबी फिल्म बनानी है। शाहिद कपूर ने अपने हर इंटरव्यू में कबीर सिंह को बताया है कि कबीर सिंह फिल्म में दिखता भी वैसा है। एक गुसेल सजनी अपनी एक जूनियर से पहली नज़र में ही प्यार कर बैठती हैं और जूनियर बकरी जैसी एक नहीं बोलती हैं न सींग मारती हैं और बस हर बात पर वह सिर हिलाती हैं। सीनियर सरेआम उसे किच कर लेता है, तब भी वह विरोध नहीं करती हैं। और एक दिन इसके घर वालों ने उसके किसी दूसरे खूंटे से बंधे बांध देते हैं और अपनी प्रेमिका की शादी कहीं और हो जाती हैं। बाद में कबीर सिंह बिहरा जाते हैं, नशे में खुद को डुबा देते हैं, पर साल में 300 बेहतरीन सर्जरी का रिकॉर्ड है उसके पास। उसका अपना ही क्लिनिक उसके खिलाफ होता है तो उसे भीतर का जमाना जागता है। वह सब कुछ छोड़कर घर लौटता है। घर की हर बागी का असली आसरा होता है और फिल्म में ये बहुत ही सरल तरीके से कहा जाता है कि कबीर सिंह बदलता है तो वह जिंदगी में नशे नए चश्मे में दिखता है। उसे समझ आता है कि दुनिया वही है, बस उसका चश्मा ही पुराना हो गया है। निर्देशक संपादकीय वागा रेड्डी ने एक हताश और निताश प्रेमी के सीन में ज्वालामुखी भरा है। वह जब तक यही वहाँ किसी न किसी बात पर थड़कता रहता है, जिनके सीने में कहने को तो बहुत कुछ होता है पर वह कुछ नहीं बोल पाता है तो अपने गुस्से को खुद ही मारता है। संदीप के निर्देशक में किस्मा गोई का गजब का टैलेंट है। बस
उनके महिलाओं का किरदार जमाने के साथ नहीं चलता। मेडिकल कॉलेज की एक लड़की को फिल्म का हीरो जब जहाँ चाहे वहाँ से उठा लेता है और जब जहाँ चाहे वहाँ सूम लेता है और लड़की बकरी बननी रहती हैं। संदीप की फिल्म की पूरी तरह से उनके हीरो की फिल्म है। निर्देशक वह है कि बस कबीर के दोस्तों का मौका देता है और पर्दे पर चमकता है, बाकी सारे किरदार कब आए कब गए कहानी सोचने भी नहीं। कलाकारों के शाहिद कपूर ने इसी किरदार में अपने सब कुछ झोंक देते हैं। कमीने हैदर और उड़ता पंजाब के बाद शाहिद ने एक बार फिर खुद को साबित किया है कि रणवीर कपूर और रणवीर सिंह और आयुष्मान खुराना के दौर में नए संजीव कुमार बनकर उभरे हैं। एक ऐसा अभिनेता जिसके पास स्टाइलर भले ही न हो पर वह अदाकारी के मामले में सबको छुट्टी करा सकता है। किरारा अंडवाणी का चयन फिल्म की कमजोरी का। देवदास को जब इसमें नाकाम हुए तो शराब में खुद को डुबोकर बर्बादी की राह पर चल पड़ा था। कुछ ऐसे ही हाल कबीर सिंह के लीडर डायरेक्टर कबीर का भी होता है। यूँ तो कबीर इसके नाकाम होने से पहले ही सिगरेट और शराब का तो आदि था, लेकिन जब वह प्रीत से शादी करने के असफल रहा तो दिन रात शराब ड्रग्स और सिगरेट के नशे में रहता था। यही नहीं कि पेश से सर्जन कबीर इस हालात में लगे गए को सर्जरी भी करते हैं। कबीर सिंह दक्षिण भारतीय फिल्म अर्जुन रेड्डी का हिंदी रीमेक है। यह एक सामान्य सी प्रेम कहानी है जिसमें कबीर का किरदार कहानी को अलग बनाता है। कबीर बेहतरीन गुरसेन ये बैग भी पड़ा, ये नहीं है तो पता नहीं। यह एक सामान्य सी प्रेम कहानी है जिसमें कबीर सिंह का किरदार कहानी को अलग बनाता है। कबीर बेहतर गुसेल हैं और चंद सेकंड में वह आपा खो देते हैं। कॉलेज में उसकी धाक है और सभी उससे डरते हैं। पढ़ाई में वह टॉप है लेकिन साथ में शराब और लड़कियां उसकी कमजोरी हैं। प्रीत जब कॉलेज में एडमिशन लेता है तो कबीर उसको देखते ही दिल दे बैठता है और पूरे कॉलेज में अनाउंस कर देता है कि ये बंदी मेरी है, कोई उसे परेशान नहीं करेगा। प्रीत चुप रहने वाली लड़की है, कबीर उसे पढ़ाता है और घुमाता है। जब उसे चोट लग जाती है तो वो और बॉयज़ हॉस्टल में अपने रूम में ले जाता है और मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए कबीर दूसरे शहर के कॉलेज में एडमिशन लेता है और प्रीत के बिना वह रह नहीं पाता है। यही हाल प्रीत का होता है। दोनों शादी का फैसला लेते हैं लेकिन ये आसान नहीं है। कहानी में कुछ बातें अपराजितजनक हैं। कबीर लड़कियों को अपनी जागीर समझता है। प्रीत को देखकर वह कह देता है कि प्रीत उसकी है, बस हो गया फैसला, प्रीत क्या चाहती है। यही कोई नहीं पूछता कि इन फिल्म में कबीर की सोच महिलाओं के प्रति अच्छी नहीं है, पर वह महिलाओं के बारे में एक ही तरह की सोच रखता है। वक्त आने पर वह लड़की के कपड़े चाकू की नोक पर भी उतार लेता है। फिल्म देखने ते समय ज़्यादातर लोगों को प्रीत बेहद मासूम नज़र आएगी लेकिन वो मासूमियत नहीं, हीरोइन का दपन है। कबीर ने उसे देखते ही कहा कि यह मेरी है, वह कोई विरोधी नहीं करेगा। कबीर उसी क्लास से बाहर ले जाता है और वह चुपचाप चली जाती है। कबीर उसे अपने रूम में ले जाकर सीमाएं पार कर जाता है और तो वो भी कुछ नहीं बोलती। अब इसमें मासूमियत टूटता तो मूर्खतापूर्ण बात है। कबीर और प्रीत की लव स्टोरी एक तरफ अलग है। फिल्म देखते समय ऐसा लगता है कि कबीर का साथ प्रीत केवल इसीलिए देती है कि क्योंकि वह उससे डरती थी। वैसे भी कबीर और प्रीत की लव स्टोरी के बजाय निर्देश और लेखक ने कबीर की आत्मा विनाश को ज़्यादा फुटेज दिए हैं। इसी बहाने उन्हें कबीर की दिमागी हालत दिखाने का खूब मौका मिला
हैं और कबीर की हरकतों से उन्हें मनोरंजन पैदा करने की कोशिश भी की है। चलिए यह मान लिया कि यह एक ऐसे किरदार की कहानी है जिसमें महिलाओं के प्रति सोच खराब हैं, वह बिगड़ेल हैं, लेकिन निर्देशक संदीप रेड्डी वागा ने ये ग्लोरीफाई करते दिखाया है कि ऐसा लगता है कि कबीर ये सब हरकत कर हीरोगनी दिखा रहा है, बहुत ही बड़ा काम कर रहा है और ये बात फिल्म देखते समय अखरती हैं। कहीं ना कहीं ये मैसेज जाता है कि किसी लड़की को पाना तो आप उसके पीछे पड़ जाओ और ये मान ही जाएगी। ये कबीर दादागिरी से प्रीत का दिल जीतने की कोशिश करता है, लेकिन कबीर के बारे में दोस्त कहते हैं कि यह वह रेलवे स्टेशन पर बिना कपड़े के घूमे तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी। फिल्म में एक नामी हीरोइन इलाहिज कराने कबीर के पास जाती हैं और वो भी चंद मुलाकातों के कबीर के साथ फिजिकल रिलेशनशिप के लिए राजी हो जाती हैं। आखिर कबीर ने ऐसा क्यों किया? जो लड़की उस पर मरने लगती है ये बात समझने से परे हैं। शराब पीकर सरजनी करने वाले सीन भी जस्ते नहीं हैं, लेकिन इन्हें यह कह कर जस्टिफाई करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन नशे की हालत में कबीर ने किसी मरीज को नुकसान नहीं पहुंचाया। फिल्म की लंबी भी अखरने वाली यह है कि लगभग 3 घंटे की फिल्म का आखिरी घंटा दोहराया का शिकार है। कबीर का लगता शराब लगातार शराब पीने का और इनसे लेकर कभी दोस्ती तो कभी भाई का टोकना, ये बार बार चलता रहता था। फिल्म ठहर जाती है। निर्देशक संदीप रेड्डी वागा ने फिल्म को स्टाइलिश बनाने के लिए और गति तेज रखी है ताकि स्क्रिप्ट की बुराइयां छिप जाए। इन्होंने अर्जुन रेड्डी का भी निर्देशन किया था और लगभग वैसे ही सीन दर सीन फिल्म मामूली बदलाव के साथ बनाई गई है। फिल्म का अंत कुछ अलग करने का साहस वे नहीं जुटा पाए। एक नकारात्मक किरदार थे, यदि फिल्म के अंत में वह सब पा ले जो चाहते हैं तो ये बात ठीक नहीं कही सकती। फिल्म का संगीत उम्दा है और बैकग्राउंड में चलने गाने अच्छे लगते हैं। सिनेमाटोग्राफी शानदार है, लेकिन एडिटिंग टाइट नहीं है। शाहिद कपूर ने गुसेल और बिगड़ेल कबीर की भूमिका अच्छे से निभाई है, लेकिन कहीं कहीं यह किरदार उससे छूटता भी दिखता है। कई दृश्य में उन्होंने भावनाओं को तीव्रता के साथ पेश किया है, लेकिन किरारा अडरानी कोर्स खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए। इनके पास ज्यादा करने के लिए कुछ था भी नहीं। पूरी फिल्म का फोकस शाहिद पर रहा, इसलिए अन्य कलाकारों को खास अवसर नहीं मिला है। स्टाइलकार शाहिद कपूर, किराया अंडवाणी और सुरेश ओबराय और निर्देशक संपादक वागा ने निर्माता मुराद खेतानी, अश्विन ट्रवाडे और भूषण कुमार और कृष्ण कुमार, सुभाष शेट्टी साहब बॉलीवुड डेस्ट कबीर सिंह तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी की हिंदी रीमेक हैं। यह ओरिजिनल फिल्म को डायरेक्टर करने वाले संदीप वागा ने ही कबीर सिंह का निर्देशन किया है। यह एक ऐसा होनहार मेडिकल स्टूडेंट की जिंदगी बताता है जो कि लड़कियों के चक्कर में अपने जीवन करियर सब बर्बाद कर लेते हैं। कहानी कबीर सिंह के इर्द गिर्द घुमाती हैं जो कि प्रतिभाशाली हैं और दिल्ली मेडिकल कॉलेज को इसलिए चुनता है कि क्योंकि वह वहाँ की सदी बहुत पसंद हैं। कबीर सिंह का किरदार काफ़ी रोचक और वह एक रईस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और हमेशा वही करते हैं जो उसे सही लगता है। जब कॉलेज के डीन आदिन हुसैन सलाह देते हैं कि उसे अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए तो वह तर्क देते हैं कि उसकी लड़ाई नई सांफी के खिलाफ होती है।
कबीर सिंह को अपने कॉलेज में आए 19 साल से की मेडिकल स्टूडेंट प्रीत से भी पहली नज़र में प्यार हो जाता है और प्यार इस हद तक बढ़ जाता है कि कबीर सिंह प्रीत को लेकर जुनून हो जाते हैं। जब प्रीत का परिवार कबीर को स्वीकार करते हैं, इनकार कर देते हैं, तो वह अपना आभा खो बैठते हैं। बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और कबीर के पिता सुरेश ओबराय उसे घर से निकाल देते हैं। कबीर का दोस्त शिवा हर हाल में उसका साथ देता है। कबीर के करीबी लोग बार बार उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह खुद को बर्बाद कर लेता है। कबीर में हीरो जैसी कोई बात नहीं थी। वो रईस बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था और गर्लफ्रेंड को अपनी संपत्ति समझता था। वागा ये कहीं भी नहीं जानता था कि उसका हीरो परफेक्ट है। ओरिजिनल फिल्म के हीरो विजय देवकोंडा जैसे पर्सनैलिटी और एडिटिंग शाहिद कपूर में भी नहीं है। फिल्म भी उनकी कड़ी मेहनत साफ दिखती है। उन्हें फिल्म में एक यंग स्टूडेंट और फिल्म शराबी डायरेक्टर की भूमिका निभाता है, जो कि उन्हें बखूरी निभाई है। किराया ओडवानी ने अच्छे स्पोस्ट दिए हैं, लेकिन वो 19 साल की मासूम लड़की नहीं दिखती है। स्पोर्टिंग कास्ट जैसे बहुत मजबूत दार मज़ेदार सुरेश ओबराय और निकिता दक्षता ने ज़बरदस्त काम किया है। इसका फिल्म का रिव्यू है 33 के करियर में मील का पत्थर बने कबीर सिंह इसे स्टार्ट पाकर जीता बॉक्स ऑफर। मूवी का रिव्यू है कबीर सिंह और कलाकार हैं शाहिद कपूर किराना ओडवाणा। इस फिल्म को रेटिंग मिली है 1.2 और OTT पर रिलीज हो चुकी अर्जुन रेड्डी को अंग्रेजी सब टाइटल के साथ देखने के लिए कबीर सिंह को भी देखना किसी कौतूहल से कम नहीं होता है। उत्साहिकता का इस बात की रही है कि शाहिद कपूर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म के हीरो विजय देवकोंडा जैसे ही गुसेल और आत्महत्या हीरो देख सकते हैं, क्योंकि मुंबई में पति बड़ी किराया ओडवाणी में वैसे ही शोभनता और शालीनता और सादगी दिख सकती हैं जैसे कि जबलपुर की सोलिनी पांडे ने अर्जुन रेड्डी में दिखाई थी। और क्या निर्देशक संपीति वागा रेड्डी अपने ही फिल्म के हिंदी रेमिंग में अपनी ही कहानी को उतनी ही ईमानदारी से पेश करते हैं में कामयाब रहते हैं जितने वह अपनी फिल्म अर्जुन रेड्डी में रहेंगे? इन 3 सवालों में से 2 पर आप हरा निशान लगा सकते हैं और यही 2 वजह हैं कबीर सिंह को एक कामयाबी फिल्म बनानी है। शाहिद कपूर ने अपने हर इंटरव्यू में कबीर सिंह को बताया है कि कबीर सिंह फिल्म में दिखता भी वैसा है। एक कुशल सजनी अपनी एक जूनियर से पहली नज़र में ही प्यार कर बैठती हैं और जूनियर बकरी जैसी एक नहीं बोलती हैं न सींग मारती हैं और बस हर बात पर वह सिर हिलाती हैं। सीनियर सरेआम उसे किच कर लेता है, तब भी वह विरोध नहीं करती हैं। और एक दिन इसके घर वालों ने उसके किसी दूसरे खूंटे से बंधे बांध देते हैं और अपनी प्रेमिका की शादी कहीं और हो जाती हैं। बाद में कबीर सिंह बिहरा जाते हैं, नशे में खुद को डुबा देते हैं, पर साल में 300 बेहतरीन सर्जरी का रिकॉर्ड है उसके पास। उसका अपना ही क्लिनिक उसके खिलाफ होता है तो उसे भीतर का जमाना जागता है। वह सब कुछ छोड़कर घर लौटता है। घर की हर बागी का असली आसरा होता है और फिल्म में ये बहुत ही सरल तरीके से कहा जाता है कि कबीर सिंह बदलता है तो वह जिंदगी में नशे नए चश्मे में दिखता है। उसे समझ आता है कि दुनिया वही है, बस उसका चश्मा ही पुराना हो गया है। निर्देशक संपत्ति वागा रेड्डी ने एक हताश और निताश प्रेमी के सीन में ज्वालामुखी भरा है। वह जब तक यही वहाँ किसी न किसी बात पर फटकता रहता है। जिनके सीने में कहने को तो बहुत कुछ होता है पर वह कुछ नहीं बोल पाता है तो अपने गुस्से को खुद ही मारता है।
संदीप के निर्देशक में किस्मा गोई का गजब का टैलेंट है। बस उनके महिलाओं का किरदार जमाने के साथ नहीं चलता। मेडिकल कॉलेज की एक लड़की को फिल्म का हीरो जब जहां चाहे वहां से उठा लेता है और जब चाहे वहां सूंघ लेता है और लड़की बकरी बननी रहती हैं। संदीप की फिल्म की पूरी तरह से उनके हीरो की फिल्म है। निर्देशक वह है कि बस कबीर के दोस्तों का मौका देता है और पर्दे पर चमकता है। बाकी सारे किरदार कब आए कब गए कहानी सोचने भी नहीं। कलाकारों के शाहिद कपूर ने इसी किरदार में अपने सब कुछ झोंक देते हैं। कमीने हैदर और उड़ता पंजाब के बाद शाहिद ने एक बार फिर खुद को साबित किया है कि रणवीर कपूर और रणवीर सिंह और आयुष्मान खुराना के दौर में नए संजीव कुमार बनकर उभरे हैं। एक ऐसा अभिनेता जिसके पास स्टैंडर्ड भले ही न हो पर वह अदाकारी के मामले में सबको छुट्टी करा सकता है। किरारा अंडवाणी का चयन फिल्म की कमजोरी का देवदास को जब इसमें नाकाम हुए तो शराब में खुद को डुबोकर बर्बादी की राह पर चल पड़ा था। कुछ ऐसे ही हाल कबीर सिंह के लीडर डायरेक्टर कबीर का भी होता है। यूँ तो कबीर इश्क के नाकाम होने से पहले ही सिगरेट और शराब का तो आदि था, लेकिन जब वह प्रीत से शादी करने के असफल रहा तो दिन रात शराब ड्रग्स और सिगरेट के नशे में रहता था। यही नहीं के पेश से सर्जन कबीर इस हालात में लगे गए को सर्जरी भी करते हैं। कबीर सिंह दक्षिण भारतीय फिल्म अर्जुन रेड्डी का हिंदी रीमेक है। यह एक सामान्य सी प्रेम कहानी है जिसमें कबीर का किरदार कहानी को अलग बनाता है। कबीर बेहतरीन गुरसेन ये बैग भी पड़ा, ये नहीं है तो पता नहीं। यह एक सामान्य सी प्रेम कहानी है जिसमें कबीर सिंह का किरदार कहानी को अलग बनाता है। कबीर बेहतर गुसेल हैं और चंद सेकंड में वह आपा खो देते हैं। कॉलेज में उसकी धाक है और सभी उससे डरते हैं। पढ़ाई में वह टॉप है लेकिन साथ में शराब और लड़कियां उसकी कमजोरी हैं। प्रीत जब कॉलेज में एडमिशन लेता है तो कबीर उसको देखते ही दिल दे बैठता है और पूरे कॉलेज में अनाउंस कर देता है कि ये बंदी मेरी है, कोई उसे परेशान नहीं करेगा। प्रीत चुप रहने वाली लड़की है। कबीर उसे पढ़ाता है और घुमाता है। जब उसे चोट लग जाती है तो वो और बॉयज हॉस्टल में अपने रूम में ले जाता है और मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए कबीर दूसरे शहर के कॉलेज में एडमिशन लेता है और प्रीत के बिना वह रह नहीं पाता है। यही हाल प्रीत का होता है। दोनों शादी का फैसला लेते हैं लेकिन ये आसान नहीं है। कहानी में कुछ बातें अपराजितजनक हैं। कबीर लड़कियों को अपनी जागीर समझता है। प्रीत को देखकर वह कह देता है कि प्रीत उसकी है, बस हो गया फैसला, प्रीत क्या चाहती है। यही कोई नहीं पूछता कि इन फिल्म में कबीर की सोच महिलाओं के प्रति अच्छी नहीं है, पर वह महिलाओं के बारे में एक ही तरह की सोच रखता है। वक्त आने पर वह लड़की के कपड़े चाकू की नोक पर भी उतार लेता है। फिल्म देखने ते समय ज़्यादातर लोगों को प्रीत बेहद मासूम नज़र आएगी लेकिन वो मासूमियत नहीं, हीरोइन का दपुन है। कबीर ने उसे देखते ही कहा कि यह मेरी है, वह कोई विरोधी नहीं करेगा। कबीर उसे क्लास से बाहर ले जाता है और वह चुपचाप चली जाती है। कबीर उसे अपने रूम में ले जाकर सीमाएं पार कर जाता है और तो वो भी कुछ नहीं बोलती। अब इसमें मासूमियत टूटता तो मूर्खतापूर्ण बात है। कबीर और प्रीत की लव स्टोरी एक तरफ अलग है। फिल्म देखते समय ऐसा लगता है कि कबीर का साथ प्रीत केवल इसीलिए देती है कि क्योंकि वह उससे डरती थी। वैसे भी कबीर और प्रीत की लव स्टोरी के बजाय निर्देश और लेखक ने कबीर की आत्मा विनाश को ज़्यादा फुटेज दिए हैं। इसी बहाने उन्हें कबीर की दिमागी हालत दिखाने का
खूब मौका मिला है और कबीर की हरकतों से उन्हें मनोरंजन पैदा करने की कोशिश भी की है। चलिए यह मान लिया कि यह एक ऐसे किरदार की कहानी है जिसमें महिलाओं के प्रति सोच खराब है, वह बिगड़ेल हैं, लेकिन निर्देशक संदीप रेड्डी वागा ने ये ग्लोरीफाई करते दिखाया है कि ऐसा लगता है कि कबीर यह सब हरकत कर हीरोगनी दिखा रहा है, बहुत ही बड़ा काम कर रहा है और यह बात फिल्म देखते समय अखरती है। कहीं ना कहीं ये मैसेज जाता है कि किसी लड़की को पाना तो आप उसके पीछे पड़ जाओ और ये मान ही जाएगी। यह कबीर दादागिरी से प्रीत का दिल जीतने की कोशिश करता है, लेकिन कबीर के बारे में दोस्त कहते हैं कि यह वह रेलवे स्टेशन पर बिना कपड़े के घूमे तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी। फिल्म में एक नामी हीरोइन इलाहिज कराने कबीर के पास जाती हैं और वो भी चंद मुलाकातों के कबीर के साथ फिजिकल रिलेशनशिप के लिए राजी हो जाती हैं। आखिर कबीर ने ऐसा क्यों किया? जो लड़की उस पर मरने लगती है ये बात समझने से परे है। शराब पीकर सरजनी करने वाले सीन भी जस्ते नहीं हैं, लेकिन इन्हें यह कह कर जस्टिफाई करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन नशे की हालत में कबीर ने किसी मरीज को नुकसान नहीं पहुंचाया। फिल्म की लंबी भी अखरने वाली यह है कि लगभग 3 घंटे की फिल्म का आखिरी घंटा दोहराया का शिकार है। कबीर का लगता शराब लगातार शराब पीने का और इनसे लेकर कभी दोस्ती तो कभी भाई का टोकना ये बार बार चलता रहता था, फिल्म ठहर जाती है। निर्देशक संदीप रेड्डी वागा ने फिल्म को स्टाइलिस्ट बनाने के लिए और गति तेज रखी है ताकि स्क्रिप्ट की बुराइयां चिप जाए। इन्होंने अर्जुन रेड्डी का भी निर्देशन किया था और लगभग वैसे ही सीन दर सीन फिल्म मामूली बदलाव के साथ बनाई गई है। फिल्म का अंत कुछ अलग करने का साहस वे नहीं जुटा पाए। एक नकारात्मक किरदार थे, यदि फिल्म के अंत में वह सब पहले जो चाहते हैं तो ये बात ठीक नहीं कही सकती। फिल्म का संगीत उम्दा है और बैकग्राउंड में चलने गाने अच्छे लगते हैं। सिनेमाटोग्राफी शानदार है, लेकिन एडिटिंग टाइट नहीं है। शाहिद कपूर ने गुसेल और बिगड़ेल कबीर की भूमिका अच्छे से निभाई है, लेकिन कहीं कहीं यह किरदार उससे छूटता भी दिखता है। कई दृश्य में उन्होंने भावनाओं को तीव्रता के साथ पेश किया है, लेकिन किरारा अडरानी कोर्स खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए। इनके पास ज्यादा करने के लिए कुछ था भी नहीं। पूरी फिल्म का फोकस शाहिद पर रहा, इसलिए अन्य कलाकारों को खास अवसर नहीं मिला है। स्टाइलकार शाहिद कपूर, किराया अंडवाणी और सुरेश ओबराय और निर्देशक संपादक वागा ने निर्माता मुराद खेतानी, असीन ट्रवाडे और भूषण कुमार और कृष्ण कुमार, सुभाष शेट्टी साहब बॉलीवुड डेस्ट कबीर सिंह तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी की हिंदी रीमेक हैं। यह ओरिजिनल फिल्म को डायरेक्टर करने वाले संदीप वागा ने ही कबीर सिंह का निर्देशन किया है। यह एक ऐसा होनहार मेडिकल स्टूडेंट की जिंदगी बताता है जो कि लड़कियों के चक्कर में अपने जीवन करियर सब बर्बाद कर लेते हैं। कहानी कबीर सिंह के इर्द गिर्द घुमाती हैं जो कि प्रतिभाशाली हैं और दिल्ली मेडिकल कॉलेज को इसलिए चुनता है कि क्योंकि वह वहाँ की सदी बहुत पसंद हैं। कबीर सिंह का किरदार काफ़ी रोचक और वह एक रईस खानदान से ताल्लुक रखते हैं और हमेशा वही करते हैं जो उसे सही लगता है। जब कॉलेज के डीन आदिन हुसैन सलाह देते हैं कि उसे अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए
तो वह तर्क देते हैं कि उसकी लड़ाई नई सांफी के खिलाफ होती है। कबीर सिंह को अपने कॉलेज में आए 19 साल से की मेडिकल स्टूडेंट प्रीत से भी पहली नज़र में प्यार हो जाता है और प्यार इस हद तक बढ़ जाता है कि कबीर सिंह प्रीत को लेकर जुनून हो जाते हैं। जब प्रीत का परिवार कबीर को स्वीकार करते हैं, इनकार कर देते हैं, तो वह अपना आभा खो बैठते हैं। बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और कबीर के पिता सुरेश ओबराय उसे घर से निकाल देते हैं। कबीर का दोस्त शिवा हर हाल में उसका साथ देता है। कबीर के करीबी लोग बार बार उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह खुद को बर्बाद कर लेता है। कबीर में हीरो जैसी कोई बात नहीं थी। वो रईस बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था और गर्लफ्रेंड को अपनी संपत्ति समझता था। वागा ये कहीं भी नहीं जानता था कि उसका हीरो परफेक्ट है। ओरिजिनल फिल्म के हीरो विजय देवकोंडा जैसे पर्सनैलिटी और एडिटिंग शाहिद कपूर में भी नहीं है। फिल्म भी उनकी कड़ी मेहनत साफ दिखती है। उन्हें फिल्म में एक यंग स्टूडेंट और फिल्म शराबी डायरेक्टर की भूमिका निभाता है, जो कि उन्हें बखूरी निभाई है। किराया ओडवानी ने अच्छे स्पोस्ट दिए हैं, लेकिन वो 19 साल की मासूम लड़की नहीं दिखती हैं। स्पोर्टिंग कास्ट जैसे सोहत मजबूतदार मजेदार सुरेश ओबराय और निकिता दक्षता ने ज़बरदस्त काम किया है। इसका फिल्म का रिव्यू है 33 के करियर में मील का पत्थर बनी कबीर सिंह, इसे स्टार्ट पाकर जीता बॉक्स ऑफर। मूवी का रिव्यू है कबीर सिंह और कलाकार हैं शाहिद कपूर, किराना ओडवाणा। इस फिल्म को रेटिंग मिली है 1-2 और OTT पर रिलीज हो चुकी अर्जुन रेड्डी को अंग्रेजी सब टाइटल के साथ देखने के लिए कबीर सिंह को भी देखना किसी कौतूहल से कम नहीं होता है। उत्साहिकता का इस बात की रही है कि शाहिद कपूर एक ब्लॉकस्टर फिल्म के हीरो विजय देवकोंडा जैसे ही गुसेल और आत्महत्या हीरो देख सकते हैं, क्योंकि मुंबई में पति बड़ी, किराया ओडवाणी में वैसे ही शोभनता और शालीनता और सादगी दिख सकती हैं, जैसे कि जबलपुर की सोलिनी पांडे ने अर्जुन रेड्डी में दिखाई थी। और क्या निर्देशक संपीते वागा रेड्डी अपने ही फिल्म के हिंदी रेमिंग में अपनी ही कहानी को उतनी ही ईमानदारी से पेश करते हैं में कामयाब रहते हैं जितने वह अपनी फिल्म अर्जुन रेड्डी में रहेंगे? इन 3 सवालों में से 2 पर आप हरा निशान लगा सकते हैं, और यही 2 वजह हैं कबीर सिंह को एक कामयाबी फिल्म बनानी है। शाहिद कपूर ने अपने हर इंटरव्यू में कबीर सिंह को बताया है कि कबीर सिंह फिल्म में दिखता भी वैसा है। एक हुसैन सजनी अपनी एक जूनियर से पहली नज़र में ही प्यार कर बैठती हैं, और जूनियर बकरी जैसी एक नहीं बोलती हैं न सींग मारती हैं और बस हर बात पर वह सिर हिलाती हैं। सीनियर सरेआम उसे किच कर लेता है, तब भी वह विरोध नहीं करती हैं। और एक दिन इसके घर वालों ने उसके किसी दूसरे खूंटे से बंधे बांध देते हैं और अपनी प्रेमिका की शादी कहीं और हो जाती हैं। बाद में कबीर सिंह बिहरा जाते हैं, नशे में खुद को डुबा देते हैं, पर साल में 300 बेहतरीन सर्जरी का रिकॉर्ड है उसके पास। उसका अपना ही क्लिनिक उसके खिलाफ होता है, तो उसे भीतर का जमाना जागता है। वह सब कुछ छोड़कर घर लौटता है। घर की हर बागी का असली आसरा होता है, और फिल्म में ये बहुत ही सरल तरीके से कहा जाता है कि कबीर सिंह बदलता है तो वह जिंदगी में नशे नए चश्मे में दिखता है। उसे समझ आता है कि दुनिया वही है, बस उसका चश्मा ही पुराना हो गया है। निर्देशक संपादकीय वागा रेड्डी ने एक हताश और निताश प्रेमी के सीन में ज्वालामुखी भरा है। वह जब तक यही वहाँ किसी न किसी बात पर फटकता रहता है, जिनके सीने में कहने को तो बहुत कुछ होता है पर वह
कुछ नहीं बोल पाता है तो अपने गुस्से को खुद ही मारता है। संदीप के निर्देशक में किस्मा गोई का गजब का टैलेंट है, बस उनके महिलाओं का किरदार जमाने के साथ नहीं चलता। मेडिकल कॉलेज की एक लड़की को फिल्म का हीरो जब जहां चाहे वहां से उठा लेता है और जब चाहे वहां सूंघ लेता है और लड़की बकरी बननी रहती हैं। संदीप की फिल्म की पूरी तरह से उनके हीरो की फिल्म है। निर्देशक वह है कि बस कबीर के दोस्तों का मौका देता है और पर्दे पर चमकता है, बाकी सारे किरदार कब आए कब गए कहानी सोचने भी नहीं। कलाकारों के शाहिद कपूर ने इसी किरदार में अपने सब कुछ झोंक देते हैं। कमीने हैदर और उड़ता पंजाब के बाद शाहिद ने एक बार फिर खुद को साबित किया है कि रणवीर कपूर और रणवीर सिंह और आयुष्मान खुराना के दौर में नए संजीव कुमार बनकर उभरे हैं। एक ऐसा अभिनेता जिसके पास स्टैंडर्ड भले ही न हो पर वह अदाकारी के मामले में सबको छुट्टी करा सकता है। किरारा अंडवाणी का चयन फिल्म की कमजोरी का देवदास को जब इसमें नाकाम हुए तो शराब में खुद को डुबोकर बर्बादी की राह पर चल पड़ा था। कुछ ऐसे ही हाल कबीर सिंह के लीडर डायरेक्टर कबीर का भी होता है। यूँ तो कबीर इसके नाकाम होने से पहले ही सिगरेट और शराब का तो आदि था, लेकिन जब वह प्रीत से शादी करने के असफल रहा तो दिन रात शराब ड्रग्स और सिगरेट के नशे में रहता था। यही नहीं कि पेश से सर्जन कबीर इस हालात में लगेंगे को सर्जरी भी करते हैं। कबीर सिंह दक्षिण भारतीय फिल्म अर्जुन रेड्डी का हिंदी रीमेक है। यह एक सामान्य सी प्रेम कहानी है जिसमें कबीर का किरदार कहानी को अलग बनाता है। कबीर बेहतरीन गुरसेन ये बैग भी पड़ा, ये नहीं है तो पता नहीं। यह एक सामान्य सी प्रेम कहानी है जिसमें कबीर सिंह का किरदार कहानी को अलग बनाता है। कबीर बेहतर गुसेल हैं और चंद सेकंड में वह आपा खो देते हैं। कॉलेज में उसकी धाक है और सभी उससे डरते हैं। पढ़ाई में वह टॉप है लेकिन साथ में शराब और लड़कियां उसकी कमजोरी हैं। प्रीत जब कॉलेज में एडमिशन लेता है तो कबीर उसको देखते ही दिल दे बैठता है और पूरे कॉलेज में अनाउंस कर देता है कि ये बंदी मेरी है, कोई उसे परेशान नहीं करेगा। प्रीत चुप रहने वाली लड़की है, कबीर उसे पढ़ाता है और घुमाता है। जब उसे चोट लग जाती है तो वो और बॉयज हॉस्टल में अपने रूम में ले जाता है और मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए कबीर दूसरे शहर के कॉलेज में एडमिशन लेता है और प्रीत के बिना वह रह नहीं पाता है। यही हाल प्रीत का होता है। दोनों शादी का फैसला लेते हैं लेकिन ये आसान नहीं है। कहानी में कुछ बातें अपराजितजनक हैं। कबीर लड़कियों को अपनी जागीर समझता है। प्रीत को देखकर वह कह देता है कि प्रीत उसकी है, बस हो गया फैसला, प्रीत क्या चाहती है। यही कोई नहीं पूछता कि इन फिल्म में कबीर की सोच महिलाओं के प्रति अच्छी नहीं है, पर वह महिलाओं के बारे में एक ही तरह की सोच रखता है। वक्त आने पर वह लड़की के कपड़े चाकू की नोक पर भी उतार लेता है। फिल्म देखने ते समय ज़्यादातर लोगों को प्रीत बेहद मासूम नज़र आएगी लेकिन वो मासूमियत नहीं, हीरोइन का दपन है। कबीर ने उसे देखते ही कहा कि यह मेरी है, वह कोई विरोधी नहीं करेगा। कबीर उसे क्लास से बाहर ले जाता है और वह चुपचाप चली जाती है। कबीर उसे अपने रूम में ले जाकर सीमाएं पार कर जाता है और तो वह भी कुछ नहीं बोलती। अब इसमें मासूमियत टूटता तो मूर्खतापूर्ण बात है। कबीर और प्रीत की लव स्टोरी एक तरफ अलग है। फिल्म देखते समय ऐसा लगता है कि कबीर का साथ प्रीत केवल इसीलिए देती है कि क्योंकि वह उससे डरती थी। वैसे भी कबीर और प्रीत की लव स्टोरी के बजाय निर्देश और लेखक ने कबीर की
आत्मा विनाश को ज्यादा फुटेज दिए हैं। इसी बहाने उन्हें कबीर की दिमागी हालत दिखाने का खूब मौका मिला है और कबीर की हरकतों से उन्हें मनोरंजन पैदा करने की कोशिश भी की है। चलिए यह मान लिया कि यह एक ऐसे किरदार की कहानी है जिसमें महिलाओं के प्रति सोच खराब है, वह बिगड़ेल हैं, लेकिन निर्देशक संदीप रेड्डी वागा ने ये ग्लोरीफाई करते दिखाया है कि ऐसा लगता है कि कबीर ये सब हरकत कर हीरोगनी दिखा रहा है, बहुत ही बड़ा काम कर रहा है और यह बात फिल्म देखते समय अखरती है। कहीं ना कहीं ये मैसेज जाता है कि किसी लड़की को पाना तो आप उसके पीछे पड़ जाओ और ये मान ही जाएगी। यह कबीर दादागिरी से प्रीत का दिल जीतने की कोशिश करता है, लेकिन कबीर के बारे में दोस्त कहते हैं कि यह वह रेलवे स्टेशन पर बिना कपड़े के घूमे तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी। फिल्म में एक नामी हीरोइन इलाहिज कराने कबीर के पास जाती है और वो भी चंद मुलाकातों के कबीर के साथ फिजिकल रिलेशनशिप के लिए राजी हो जाती है। आखिर कबीर ने ऐसा क्यों किया? जो लड़की उस पर मरने लगती है ये बात समझने से परे है। शराब पीकर सरजनी करने वाले सीन भी जस्ते नहीं हैं, लेकिन इन्हें यह कह कर जस्टिफाई करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन नशे की हालत में कबीर ने किसी मरीज को नुकसान नहीं पहुंचाया। फिल्म की लंबी भी अखरने वाली यह है कि लगभग 3 घंटे की फिल्म का आखिरी घंटा दोहराया का शिकार है। कबीर का लगता शराब लगातार शराब पीने का और इनसे लेकर कभी दोस्ती तो कभी भाई का टोकना ये बार बार चलता रहता था, फिल्म ठहर जाती है। निर्देशक संदीप रेड्डी वागा ने फिल्म को स्टाइलिश बनाने के लिए और गति तेज रखी है ताकि स्क्रिप्ट की बुराइयां छिप जाए। इन्होंने अर्जुन रेड्डी का भी निर्देशन किया था और लगभग वैसे ही सीन दर सीन फिल्म मामूली बदलाव के साथ बनाई गई है। फिल्म का अंत कुछ अलग करने का साहस वे नहीं जुटा पाए। एक नकारात्मक किरदार थे, यदि फिल्म के अंत में वह सब पहले जो चाहते हैं तो ये बात ठीक नहीं कही सकती। फिल्म का संगीत उम्दा है और बैकग्राउंड में चलने गाने अच्छे लगते हैं। सिनेमाटोग्राफी शानदार है, लेकिन एडिटिंग टाइट नहीं है। शाहिद कपूर ने गुसेल और बिगड़ेल कबीर की भूमिका अच्छे से निभाई है, लेकिन कहीं कहीं ये किरदार उससे छूटता भिन्न दिखता है। कई दृश्य में उन्होंने भावनाओं को तीव्रता के साथ पेश किया है, लेकिन किरारा अडरानी कोर्स खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए। इनके पास ज्यादा करने के लिए कुछ था भी नहीं। पूरी फिल्म का फोकस शाहिद पर रहा, इसलिए अन्य कलाकारों को खास अवसर नहीं मिला है। स्टाइलकार शाहिद कपूर, किराया अंडवाणी और सुरेश ओबराय और निर्देशक संपादक वागा ने निर्माता मुराद खेतानी, असीन ट्रवाडे और भूषण कुमार और कृष्ण कुमार, सुभाष शेट्टी साहब बॉलीवुड डेस्ट कबीर सिंह तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी की हिंदी रीमेक हैं। यह ओरिजिनल फिल्म को डायरेक्टर करने वाले संदीप वागा ने ही कबीर सिंह का निर्देशन किया है। यह एक ऐसा होनहार मेडिकल स्टूडेंट की जिंदगी बताता है जो कि लड़कियों के चक्कर में अपने जीवन करियर सब बर्बाद कर लेते हैं। कहानी कबीर सिंह के इर्द गिर्द घुमाती है जो कि प्रतिभाशाली हैं और दिल्ली मेडिकल कॉलेज को इसलिए चुनता है कि क्योंकि वह वहाँ की सदी बहुत पसंद हैं। कबीर सिंह का किरदार काफ़ी रोचक और वह एक रईस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और हमेशा वही करते हैं जो उसे सही लगता है। जब कॉलेज के डीन
आदिन हुसैन सलाह देते हैं कि उसे अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए, तो वह तर्क देते हैं कि उसकी लड़ाई नई सांफी के खिलाफ होती है। कबीर सिंह को अपने कॉलेज में आए 19 साल से की मेडिकल स्टूडेंट प्रीत से भी पहली नज़र में प्यार हो जाता है, और प्यार इस हद तक बढ़ जाता है कि कबीर सिंह प्रीत को लेकर जुनून हो जाते हैं। जब प्रीत का परिवार कबीर को स्वीकार करते हैं, इनकार कर देते हैं, तो वह अपना आभा खो बैठते हैं। बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और कबीर के पिता सुरेश ओबराय उसे घर से निकाल देते हैं। कबीर का दोस्त शिवा हर हाल में उसका साथ देता है। कबीर के करीबी लोग बार बार उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह खुद को बर्बाद कर लेता है। कबीर में हीरो जैसी कोई बात नहीं थी। वो रईस बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था और गर्लफ्रेंड को अपनी संपत्ति समझता था। वागा ये कहीं भी नहीं जानता था कि उसका हीरो परफेक्ट है। ओरिजिनल फिल्म के हीरो विजय देवकोंडा जैसे पर्सनैलिटी और एडिटिंग शाहिद कपूर में भी नहीं है। फिल्म भी उनकी कड़ी मेहनत साफ दिखती है। उन्हें फिल्म में एक यंग स्टूडेंट और फिल्म शराबी डायरेक्टर की भूमिका निभाता है, जो कि उन्हें बखूरी निभाई है। किराया ऑडवानी ने अच्छे स्पोस्ट दिए हैं, लेकिन वो 19 साल की मासूम लड़की नहीं दिखती हैं। स्पोर्टिंग कास्ट जैसे सोहत मजबूत दार मज़ेदार सुरेश ओबराय और निकिता दक्षता ने ज़बरदस्त काम किया है। इसका फिल्म का रिव्यू है 33 के करियर में मील का पत्थर बने कबीर सिंह इसे स्टार्ट पाकर जीता बॉक्स ऑफर। मूवी का रिव्यू है कबीर सिंह और कलाकार हैं शाहिद कपूर किराना ओडवाणा। इस फिल्म को रेटिंग मिली है 1-2 और OTT पर रिलीज हो चुकी अर्जुन रेड्डी को अंग्रेजी सब टाइटल के साथ देखने के लिए कबीर सिंह को भी देखना किसी कोतिहल से कम नहीं होता है। उत्साहिकता का इस बात की रही है कि शाहिद कपूर एक ब्लॉकस्टर फिल्म के हीरो विजय देवकोंडा जैसे ही गुसेल और आत्महत्या हीरो देख सकते हैं, क्योंकि मुंबई में पति बड़ी किराया ओंडवानी में वैसे ही शोभनता और शालीनता और सादगी दिख सकती हैं, जैसे कि जबलपुर की सोलिनी पांडे ने अर्जुन रेड्डी में दिखाई थी। और क्या निर्देशक संपीते वागा रेड्डी अपने ही फिल्म के हिंदी रेमिंग में अपनी ही कहानी को उतनी ही ईमानदारी से पेश करते हैं में कामयाब रहते हैं जितने वह अपनी फिल्म अर्जुन रेड्डी में रहेंगे? इन 3 सवालों में से 2 पर आप हरा निशान लगा सकते हैं, और यही 2 वजह हैं कबीर सिंह को एक कामयाबी फिल्म बनानी है। शाहिद कपूर ने अपने हर इंटरव्यू में कबीर सिंह को बताया है कि कबीर सिंह फिल्म में दिखता भी वैसा है। एक गुसेल सजनी अपनी एक जूनियर से पहली नज़र में ही प्यार कर बैठती हैं, और जूनियर बकरी जैसी एक नहीं बोलती है न सींग मारती है, और बस हर बात पर वह सिर हिलाती हैं। सीनियर सरेआम उसे किच कर लेता है, तब भी वह विरोध नहीं करती हैं। और एक दिन इसके घर वालों ने उसके किसी दूसरे खूंटे से बंधे बांध देते हैं और अपनी प्रेमिका की शादी कहीं और हो जाती हैं। बाद में कबीर सिंह बिहरा जाते हैं, नशे में खुद को डुबा देते हैं, पर साल में 300 बेहतरीन सर्जरी का रिकॉर्ड है उसके पास। उसका अपना ही क्लिनिक उसके खिलाफ होता है, तो उसे भीतर का जमाना जागता है। वह सब कुछ छोड़कर घर लौटता है। घर की हर बागी का असली आसरा होता है, और फिल्म में ये बहुत ही सरल तरीके से कहा जाता है कि कबीर सिंह बदलता है, तो वह जिंदगी में नशे नए चश्मे में दिखता है। उसे समझ आता है कि दुनिया वही है, बस उसका चश्मा ही पुराना हो गया है। निर्देशक संपत्ति वागा रेड्डी ने एक हताश और निताश प्रेमी के सीन में ज्वालामुखी भरा है। वह जब तक यही वहाँ किसी न किसी बात पर फटकता रहता है, जिनके
जिन्हें में कहने को तो बहुत कुछ होता है पर वह कुछ नहीं बोल पाता है तो अपने गुस्से को खुद ही मारता है। संदीप के निर्देशक में किस्मा गोई का गजब का टैलेंट है, बस उनके महिलाओं का किरदार जमाने के साथ नहीं चलता। मेडिकल कॉलेज की एक लड़की को फिल्म का हीरो जब जहाँ चाहे वहाँ से उठा लेता है और जब जहाँ चाहे वहाँ सूंघ लेता है और लड़की बकरी बननी रहती हैं। संदीप की फिल्म की पूरी तरह से उनके हीरो की फिल्म है। निर्देशक वह है कि बस कबीर के दोस्तों का मौका देता है और पर्दे पर चमकता है, बाकी सारे किरदार कब आए कब गए कहानी सोचने भी नहीं। कलाकारों के शाहिद कपूर ने इसी किरदार में अपनी सब कुछ झोंक देते हैं। कमीने हैदर और उड़ता पंजाब के बाद शाहिद ने एक बार फिर खुद को साबित किया है कि रणवीर कपूर और रणवीर सिंह और आयुष्मान खुराना के दौर में नए संजीव कुमार बनकर उभरे हैं। एक ऐसा अभिनेता जिसके पास स्टाइलर भले ही न हो पर वह अदाकारी के मामले में सबको छुट्टी करा सकता है। किरारा अंडवाणी का चयन फिल्म की कमजोरी का देवदास को जब इसमें नाकाम हुए तो शराब में खुद को डुबोकर बर्बादी की राह पर चल पड़ा था। कुछ ऐसे ही हाल कबीर सिंह के लीडर डायरेक्टर कबीर का भी होता है। यूँ तो कबीर इसके नाकाम होने से पहले ही सिगरेट और शराब का तो आदि था, लेकिन जब वह प्रीत से शादी करने के असफल रहा तो दिन रात शराब ड्रग्स और सिगरेट के नशे में रहता था। यही नहीं के पेश से सर्जन कबीर इस हालात में लगे गए को सर्जरी भी करते हैं। कबीर सिंह दक्षिण भारतीय फिल्म अर्जुन रेड्डी का हिंदी रीमेक है। यह एक सामान्य सी प्रेम कहानी है जिसमें कबीर का किरदार कहानी को अलग बनाता है। कबीर बेहतरीन गुरसेन ये बैग भी पड़ा, ये नहीं है तो पता नहीं। यह एक सामान्य सी प्रेम कहानी है जिसमें कबीर सिंह का किरदार कहानी को अलग बनाता है। कबीर बेहतर गुसेल हैं और चंद सेकंड में वह आपा खो देते हैं। कॉलेज में उसकी धाक है और सभी उससे डरते हैं। पढ़ाई में वह टॉप है लेकिन साथ में शराब और लड़कियां उसकी कमजोरी हैं। प्रीत जब कॉलेज में एडमिशन लेता है तो कबीर उसको देखते ही दिल दे बैठता है और पूरे कॉलेज में अनाउंस कर देता है कि ये बंदी मेरी है, कोई उसे परेशान नहीं करेगा। प्रीत चुप रहने वाली लड़की है, कबीर उसे पढ़ाता है और घुमाता है। जब उसे चोट लग जाती है तो वो और बॉयज हॉस्टल में अपने रूम में ले जाता है और मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए कबीर दूसरे शहर के कॉलेज में एडमिशन लेता है और प्रीत के बिना वह रह नहीं पाता है। यही हाल प्रीत का होता है। दोनों शादी का फैसला लेते हैं लेकिन ये आसान नहीं है। कहानी में कुछ बातें अपहजितजनक हैं। कबीर लड़कियों को अपनी जागीर समझता है। प्रीत को देखकर वह कह देता है कि प्रीत उसकी है, बस हो गया फैसला, प्रीत क्या चाहती है। यही कोई नहीं पूछता कि इन फिल्म में कबीर की सोच महिलाओं के प्रति अच्छी नहीं है, पर वह महिलाओं के बारे में एक ही तरह की सोच रखता है। वक्त आने पर वह लड़की के कपड़े चाकू की नोक पर भी उतार लेता है। फिल्म देखने ते समय ज़्यादातर लोगों को प्रीत बेहद मासूम नज़र आएगी लेकिन वो मासूमियत नहीं, हीरोइन का दपन है। कबीर ने उसे देखते ही कहा कि यह मेरी है, वह कोई विरोधी नहीं करेगा। कबीर उसी क्लास से बाहर ले जाता है और वह चुपचाप चली जाती है। कबीर उसे अपने रूम में ले जाकर सीमाएं पार कर जाता है और तो वह भी कुछ नहीं बोलती। अब इसमें मासूमियत टूटता तो मूर्खतापूर्ण बात है। कबीर और प्रीत की लव स्टोरी एक तरफ अलग है। फिल्म देखते समय ऐसा लगता है कि कबीर का साथ प्रीत केवल इसीलिए देती है कि क्योंकि वह उससे डरती थी।
वैसे भी कबीर और प्रीत की लव स्टोरी के बजाय निर्देश और लेखक ने कबीर की आत्मा विनाश को ज़्यादा फुटेज दिए हैं। इसी बहाने उन्हें कबीर की दिमागी हालत दिखाने का खूब मौका मिला है और कबीर की हरकतों से उन्हें मनोरंजन पैदा करने की कोशिश भी की है। चलिए यह मान लिया कि यह एक ऐसे किरदार की कहानी है जिसमें महिलाओं के प्रति सोच खराब हैं, वह बिगड़ेल हैं, लेकिन निर्देशक संदीप रेड्डी वागा ने ये ग्लोरीफाई करते दिखाया है कि ऐसा लगता है कि कबीर ये सब हरकत कर हीरोगनी दिखा रहा है, बहुत ही बड़ा काम कर रहा है और ये बात फिल्म देखते समय अखरती है। कहीं ना कहीं ये मैसेज जाता है कि किसी लड़के को पाना तो आप उसके पीछे पड़ जाओ और ये मान ही जाएगी। यह कबीर दादागिरी से प्रीत का दिल जीतने की कोशिश करता है, लेकिन कबीर के बारे में दोस्त कहते हैं कि यह वह रेलवे स्टेशन पर बिना कपड़े के घूमे तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी। फिल्म में एक नामी हीरोइन इलाहिज कराने कबीर के पास जाती हैं और वो भी चंद मुलाकातों के कबीर के साथ फिजिकल रिलेशनशिप के लिए राजी हो जाती हैं। आखिर कबीर ने ऐसा क्यों किया? जो लड़की उस पर मरने लगती है ये बात समझने से परे हैं। शराब पीकर सरजनी करने वाले सीन भी जस्ते नहीं हैं, लेकिन इन्हें यह कह कर जस्टिफाई करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन नशे की हालत में कबीर ने किसी मरीज को नुकसान नहीं पहुंचाया। फिल्म की लंबी भी अखरने वाली यह है कि लगभग 3 घंटे की फिल्म का आखिरी घंटा दोहराया का शिकार है। कबीर का लगता शराब लगातार शराब पीने का और इनसे लेकर कभी दोस्ती तो कभी भाई का टोकना ये बार बार चलता रहता था, फिल्म ठहर जाती है। निर्देशक संदीप रेड्डी वागा ने फिल्म को स्टाइलिश बनाने के लिए और गति तेज रखी है ताकि स्क्रिप्ट की बुराइयां चिप जाए। इन्होंने अर्जुन रेड्डी का भी निर्देशन किया था और लगभग वैसे ही सीन दर सीन फिल्म मामूली बदलाव के साथ बनाई गई है। फिल्म का अंत कुछ अलग करने का साहस वे नहीं जुटा पाए। एक नकारात्मक किरदार थे, यदि फिल्म के अंत में वह सब पहले जो चाहते हैं तो ये बात ठीक नहीं कही सकती। फिल्म का संगीत उम्दा है और बैकग्राउंड में चलने गाने अच्छे लगते हैं। सिनेमाटोग्राफी शानदार है, लेकिन एडिटिंग टाइट नहीं है। शाहिद कपूर ने गुस्सेल और बिगड़ेल कबीर की भूमिका अच्छे से निभाई है, लेकिन कहीं कहीं यह किरदार उससे छूटता भी दिखता है। कई दृश्य में उन्होंने भावनाओं को तीव्रता के साथ पेश किया है, लेकिन किरारा अडरानी कोर्स खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए। इनके पास ज़्यादा करने के लिए कुछ था भी नहीं। पूरी फिल्म का फोकस शाहिद पर रहा, इसलिए अन्य कलाकारों को खास अवसर नहीं मिला है। स्टाइलकार शाहिद कपूर, किराया अंडवाणी और सुरेश ओबराय और निर्देशक संपादक वागा ने निर्माता मुराद खेतानी, अश्विन ट्रवाडे और भूषण कुमार और कृष्ण कुमार, सुभाष शेट्टी साहब बॉलीवुड डेस्ट कबीर सिंह तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी की हिंदी रीमेक हैं। यह ओरिजिनल फिल्म को डायरेक्टर करने वाले संदीप वागा ने ही कबीर सिंह का निर्देशन किया है। यह एक ऐसा होनहार मेडिकल स्टूडेंट की जिंदगी बताता है जो कि लड़कियों के चक्कर में अपने जीवन करियर सब बर्बाद कर लेते हैं। कहानी कबीर सिंह के इर्द गिर्द घुमाती हैं जो कि प्रतिभाशाली हैं और दिल्ली मेडिकल कॉलेज को इसलिए चुनता है कि क्योंकि वह वहाँ की सदी बहुत पसंद हैं।
कबीर सिंह का किरदार काफ़ी रोचक और वह एक रईस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और हमेशा वही करते हैं जो उसे सही लगता है। जब कॉलेज के डीन आदिन हुसैन सलाह देते हैं कि उसे अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए तो वह तर्क देते हैं कि उसकी लड़ाई नई सांफी के खिलाफ होती है। कबीर सिंह को अपने कॉलेज में आए 19 साल से कि मेडिकल स्टूडेंट प्रीत से भी पहली नज़र में प्यार हो जाता है और प्यार इस हद तक बढ़ जाता है कि कबीर सिंह प्रीत को लेकर जुनून हो जाते हैं। जब प्रीत का परिवार कबीर को स्वीकार करते हैं, इनकार कर देते हैं, तो वह अपना आभा खो बैठते हैं। बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और कबीर के पिता सुरेश ओबराय उसे घर से निकाल देते हैं। कबीर का दोस्त शिवा हर हाल में उसका साथ देता है। कबीर के करीबी लोग बार बार उसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वह खुद को बर्बाद कर लेता है। कबीर में हीरो जैसी कोई बात नहीं थी। वो रईस बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था और गर्लफ्रेंड को अपनी संपत्ति समझता था। वागा ये कहीं भी नहीं जानता था कि उसका हीरो परफेक्ट है। ओरिजिनल फिल्म के हीरो विजय देवकोंडा जैसे पर्सनैलिटी और एडिटिंग शाहिद कपूर में भी नहीं है। फिल्म भी उनकी कड़ी मेहनत साफ दिखती है। उन्हें फिल्म में एक यंग स्टूडेंट और फिल्म शराबी डायरेक्टर की भूमिका निभाता है जो कि उन्हें बखूरी निभाई है। किराया ओडवानी ने अच्छे स्पोस्ट दिए हैं लेकिन वो 19 साल की मासूम लड़की नहीं दिखती है। स्पोर्टिंग कास्ट जैसे बहुत मजबूत दार मज़ेदार सुरेश ओबराय और निकिता दक्षता ने ज़बरदस्त काम किया है। इसका फिल्म का रिव्यू है 33 के करियर में मील का पत्थर बने कबीर सिंह इसे स्टार्ट पाकर जीता बॉक्स ऑफर। मूवी का रिव्यू है कबीर सिंह और कलाकार हैं शाहिद कपूर किराना ओडवाणा। इस फिल्म को रेटिंग मिली है 1.2 और OTT पर रिलीज हो चुकी अर्जुन रेड्डी को अंग्रेजी सब टाइटल के साथ देखने के लिए कबीर सिंह को भी देखना किसी कौतूहल से कम नहीं होता है। उत्साहिकता का इस बात की रही है कि शाहिद कपूर एक ब्लॉकस्टर फिल्म के हीरो विजय देवकोंडा जैसे ही गुसेल और आत्महत्या हीरो देख सकते हैं क्योंकि मुंबई में पति बड़ी किराया ओडवाणी में वैसे ही शोभनता और शालीनता और सादगी दिख सकती है जैसे कि जबलपुर की सोलिनी पांडे ने अर्जुन रेड्डी में दिखाई थी। और क्या निर्देशक संपीते वागा रेड्डी अपने ही फिल्म के हिंदी रेमिंग में अपनी ही कहानी को उतनी ही ईमानदारी से पेश करते हैं में कामयाब रहते हैं जितने वह अपनी फिल्म अर्जुन रेड्डी में रहेंगे। इन 3 सवालों में से 2 पर आप हरा निशान लगा सकते हैं और यही 2 वजह हैं कबीर सिंह को एक कामयाबी फिल्म बनानी है। शाहिद कपूर ने अपने हर इंटरव्यू में कबीर सिंह को बताया है कि कबीर सिंह फिल्म में दिखता भी वैसा है। एक हुसैन सरजनी अपनी एक जूनियर से पहली नज़र में ही प्यार कर बैठती हैं और जूनियर बकरी जैसी एक नहीं बोलती है न सींग मारती है और बस हर बात पर वह सिर हिलाती हैं। सीनियर सरेआम उसे किच कर लेता है तब भी वह विरोध नहीं करती है और एक दिन इसके घर वालों ने उसके किसी दूसरे खूंटे से बंधे बांध देते हैं और अपनी प्रेमिका की शादी कहीं और हो जाती है। बाद में कबीर सिंह बिहरा जाते हैं, नशे में खुद को डुबा देते हैं पर साल में 300 बेहतरीन सर्जरी का रिकॉर्ड है उसके पास। उसका अपना ही क्लिनिक उसके खिलाफ होता है तो उसे भीतर का जमाना जागता है। वह सब कुछ छोड़कर घर लौटता है। घर की हर बागी का असली आसरा होता है और फिल्म में ये बहुत ही सरल तरीके से कहा जाता है कि कबीर सिंह बदलता है तो वह जिंदगी में नशे नए चश्मे में दिखता है। उसे समझ आता है कि दुनिया वही है, बस उसका चश्मा ही पुराना हो गया है। निर्देशक संपादकीय वागा रेड्डी ने एक हताश और निताश
प्रेमी के सीन में ज्वालामुखी भरा है। वह जब तक यही वहाँ किसी न किसी बात पर फड़कता रहता है, जिनके सीने में कहने को तो बहुत कुछ होता है पर वह कुछ नहीं बोल पाता है, तो अपने गुस्से को खुद ही मारता है। संदीप के निर्देशक में किस्मा गोई का गजब का टैलेंट है, बस उनके महिलाओं का किरदार जमाने के साथ नहीं चलता। मेडिकल कॉलेज की एक लड़की को फिल्म का हीरो जब जहां चाहे वहां से उठा लेता है और जब चाहे वहां सूंघ लेता है और लड़की बकरी बननी रहती हैं। संदीप की फिल्म की पूरी तरह से उनके हीरो की फिल्म है। निर्देशक वह है कि बस कबीर के दोस्तों का मौका देता है और पर्दे पर चमकता है, बाकी सारे किरदार कब आए कब गए कहानी सोचने भी नहीं। कलाकारों के शाहिद कपूर ने इसी किरदार में अपनी सब कुछ झोंक देते हैं। कमीने हैदर और उड़ता पंजाब के बाद शाहिद ने एक बार फिर खुद को साबित किया है कि रणवीर कपूर और रणवीर सिंह और आयुष्मान खुराना के दौर में नए संजीव कुमार बनकर उभरे हैं। एक ऐसा अभिनेता जिसके पास स्टाइलर भले ही न हो पर वह अदाकारी के मामले में सबको छुट्टी करा सकता है। किरारा अंडवाणी का चयन फिल्म की कमजोरी का देवदास को जब इसमें नाकाम हुए तो शराब में खुद को डुबोकर बर्बादी की राह पर चल पड़ा था। कुछ ऐसे ही हाल कबीर सिंह के लीडर डायरेक्टर कबीर का भी होता है। यूँ तो कबीर इसके नाकाम होने से पहले ही सिगरेट और शराब का तो आदि था, लेकिन जब वह प्रीत से शादी करने के असफल रहा तो दिन रात शराब ड्रग्स और सिगरेट के नशे में रहता था। यही नहीं कि पेश से सर्जन कबीर इस हालात में लगे गए को सर्जरी भी करते हैं। कबीर सिंह दक्षिण भारतीय फिल्म अर्जुन रेड्डी का हिंदी रीमेक है। यह एक सामान्य सी प्रेम कहानी है जिसमें कबीर का किरदार कहानी को अलग बनाता है। कबीर बेहतरीन गुरसेन ये बैग भी पड़ा, ये नहीं है तो पता नहीं। यह एक सामान्य सी प्रेम कहानी है जिसमें कबीर सिंह का किरदार कहानी को अलग बनाता है। कबीर बेहतर गुसेल हैं और चंद सेकंड में वह आपा खो देते हैं। कॉलेज में उसकी धाक है और सभी उससे डरते हैं। पढ़ाई में वह टॉप है लेकिन साथ में शराब और लड़कियां उसकी कमजोरी हैं। प्रीत जब कॉलेज में एडमिशन लेता है तो कबीर उसको देखते ही दिल दे बैठता है और पूरे कॉलेज में अनाउंस कर देता है कि ये बंदी मेरी है, कोई उसे परेशान नहीं करेगा। प्रीत चुप रहने वाली लड़की है, कबीर उसे पढ़ाता है और घुमाता है। जब उसे चोट लग जाती है तो वो और बॉयज़ हॉस्टल में अपने रूम में ले जाता है और मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए कबीर दूसरे शहर के कॉलेज में एडमिशन लेता है और प्रीत के बिना वह रह नहीं पाता है। यही हाल प्रीत का होता है। दोनों शादी का फैसला लेते हैं लेकिन ये आसान नहीं है। कहानी में कुछ बातें अपराजितजनक हैं। कबीर लड़कियों को अपनी जागीर समझता है। प्रीत को देखकर वह कह देता है कि प्रीत उसकी है, बस हो गया फैसला, प्रीत क्या चाहती है। यही कोई नहीं पूछता कि इन फिल्म में कबीर की सोच महिलाओं के प्रति अच्छी नहीं है, पर वह महिलाओं के बारे में एक ही तरह की सोच रखता है। वक्त आने पर वह लड़की के कपड़े चाकू की नोक पर भी उतार लेता है। फिल्म देखने ते समय ज़्यादातर लोगों को प्रीत बेहद मासूम नज़र आएगी लेकिन वो मासूमियत नहीं, हीरोइन का दपुन है। कबीर ने उसे देखते ही कहा कि यह मेरी है, वह कोई विरोधी नहीं करेगा। कबीर उसे क्लास से बाहर ले जाता है और वह चुपचाप चली जाती है। कबीर उसे अपने रूम में ले जाकर सीमाएं पार कर जाता है और तो वो भी कुछ नहीं बोलती। अब इसमें मासूमियत टूटता तो मूर्खतापूर्ण बात है।
कबीर और प्रीत की लव स्टोरी एक तरफ अलग है। फिल्म देखते समय ऐसा लगता है कि कबीर का साथ प्रीत केवल इसीलिए देती हैं कि क्योंकि वह उससे डरती थी। वैसे भी कबीर और प्रीत की लव स्टोरी के बजाय निर्देश और लेखक ने कबीर की आत्मा विनाश को ज़्यादा फुटेज दिए हैं। इसी बहाने उन्हें कबीर की दिमागी हालत दिखाने का खूब मौका मिला है और कबीर की हरकतों से उन्हें मनोरंजन पैदा करने की कोशिश भी की है। चलिए यह मान लिया कि यह एक ऐसे किरदार की कहानी है जिसमें महिलाओं के प्रति सोच खराब हैं, वह बिगड़ेल हैं, लेकिन निर्देशक संदीप रेड्डी वागा ने ये ग्लोरीफाई करते दिखाया है कि ऐसा लगता है कि कबीर यह सब हरकत कर हीरोगनी दिखा रहा है, बहुत ही बड़ा काम कर रहा है और यह बात फिल्म देखते समय अखरती है। कहीं ना कहीं ये मैसेज जाता है कि किसी लड़की को पाना तो आप उसके पीछे पड़ जाओ और यह मान ही जाएगी। यह कबीर दादागिरी से प्रीत का दिल जीतने की कोशिश करता है, लेकिन कबीर के बारे में दोस्त कहते हैं कि यह वह रेलवे स्टेशन पर बिना कपड़े के घूमे तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी। फिल्म में एक नामी हीरोइन इलाहिज कराने कबीर के पास जाती हैं और वो भी चंद मुलाकातों के कबीर के साथ फिजिकल रिलेशनशिप के लिए राजी हो जाती हैं। आखिर कबीर ने ऐसा क्यों किया? जो लड़की उस पर मरने लगती है ये बात समझने से परे है। शराब पीकर सरजनी करने वाले सीन भी जस्ते नहीं हैं, लेकिन इन्हें यह कह कर जस्टिफाई करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन नशे की हालत में कबीर ने किसी मरीज को नुकसान नहीं पहुंचाया। फिल्म की लंबी भी अखरने वाली यह है कि लगभग 3 घंटे की फिल्म का आखिरी घंटा दोहराया का शिकार है। कबीर का लगता शराब लगातार शराब पीने का और इनसे लेकर कभी दोस्ती तो कभी भाई का टोकना ये बार बार चलता रहता था, फिल्म ठहर जाती है। निर्देशक संदीप रेड्डी वागा ने फिल्म को स्टाइलिस्ट बनाने के लिए और गति तेज रखी है ताकि स्क्रिप्ट की बुराइयां चिप जाए। इन्होंने अर्जुन रेड्डी का भी निर्देशन किया था और लगभग वैसे ही सीन दर सीन फिल्म मामूली बदलाव के साथ बनाई गई है। फिल्म का अंत कुछ अलग करने का साहस वे नहीं जुटा पाए। एक नकारात्मक किरदार थे, यदि फिल्म के अंत में वह सब पा ले जो चाहते हैं तो ये बात ठीक नहीं कही सकती। फिल्म का संगीत उम्दा है और बैकग्राउंड में चलने गाने अच्छे लगते हैं। सिनेमाटोग्राफी शानदार है, लेकिन एडिटिंग टाइट नहीं है। शाहिद कपूर ने गुस्सेल और बिगड़ेल कबीर की भूमिका अच्छे से निभाई है, लेकिन कहीं कहीं यह किरदार उससे छूटता भी दिखता है। कई दृश्य में उन्होंने भावनाओं को तीव्रता के साथ पेश किया है, लेकिन किरारा अडरानी कोर्स खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए। इनके पास ज़्यादा करने के लिए कुछ था भी नहीं। पूरी फिल्म का फोकस शाहिद पर रहा, इसलिए अन्य कलाकारों को खास अवसर नहीं मिला है। स्टाइलकार शाहिद कपूर, किराया अंडवाणी और सुरेश ओबराय और निर्देशक संपादक वागा ने निर्माता मुराद खेतानी, अश्विन ट्रवाडे और भूषण कुमार और कृष्ण कुमार, सुभाष शेट्टी साहब बॉलीवुड डेस्ट कबीर सिंह तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी की हिंदी रीमेक हैं। यह ओरिजिनल फिल्म को डायरेक्टर करने वाले संदीप वागा ने ही कबीर सिंह का निर्देशन किया है। यह एक ऐसा होनहार मेडिकल स्टूडेंट की जिंदगी बताता है जो कि लड़कियों के चक्कर में अपने जीवन करियर सब बर्बाद कर लेते हैं। कहानी कबीर सिंह के इर्द गिर्द घुमाती हैं, जो कि प्रतिभाशाली हैं और
दिल्ली मेडिकल कॉलेज को इसलिए चुनता है कि क्योंकि वह वहाँ की सदी बहुत पसंद हैं। कबीर सिंह का किरदार काफ़ी रोचक और वह एक रईस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और हमेशा वही करते हैं जो उसे सही लगता है। जब कॉलेज के डीन आदिन हुसैन सलाह देते हैं कि उसे अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए तो वह तर्क देते हैं कि उसकी लड़ाई नई सांफी के खिलाफ होती है। कबीर सिंह को अपने कॉलेज में आए 19 साल से कि मेडिकल स्टूडेंट प्रीत से भी पहली नज़र में प्यार हो जाता है और प्यार इस हद तक बढ़ जाता है कि कबीर सिंह प्रीत को लेकर जुनून हो जाते हैं। जब प्रीत का परिवार कबीर को स्वीकार करते हैं इनकार कर देते हैं तो वह अपना आभा खो बैठते हैं। बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और कबीर के पिता सुरेश ओबराय उसे घर से निकाल देते हैं। कबीर का दोस्त शिवा हर हाल में उसका साथ देता है। कबीर के करीबी लोग बार बार उसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वह खुद को बर्बाद कर लेता है। कबीर में हीरो जैसी कोई बात नहीं थी। वो रईस बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था और गर्लफ्रेंड को अपनी संपत्ति समझता था। वागा ये कहीं भी नहीं जानता था कि उसका हीरो परफेक्ट है। ओरिजिनल फिल्म के हीरो विजय देवकोंडा जैसे पर्सनालिटी और एडिटिंग शाहिद कपूर में भी नहीं है। फिल्म भी उनकी कड़ी मेहनत साफ दिखती हैं। उन्हें फिल्म में एक यंग स्टूडेंट और फिल्म शराबी डायरेक्टर की भूमिका निभाता है जो कि उन्हें बखूरी निभाई हैं। किराया ओडवानी ने अच्छे स्पोस्ट दिए हैं लेकिन वो 19 साल की मासूम लड़की नहीं दिखती हैं। स्पोर्टिंग कास्ट जैसे बहुत मजबूतदार मजेदार सुरेश ओबराय और निकिता दक्षता ने ज़बरदस्त काम किया है। इसका फिल्म का रिव्यू है 33 के करियर में मील का पत्थर बने कबीर सिंह इसे स्टार्ट पाकर जीता बॉक्स ऑफर। मूवी का रिव्यू है कबीर सिंह और कलाकार हैं शाहिद कपूर किराना ओडवाणा। इस फिल्म को रेटिंग मिली है 1-2 और OTT पर रिलीज हो चुकी अर्जुन रेड्डी को अंग्रेजी सब टाइटल के साथ देखने के लिए कबीर सिंह को भी देखना किसी कौतूहल से कम नहीं होता है। उत्साहिकता का इस बात की रही है कि शाहिद कपूर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म के हीरो विजय देवकोंडा जैसे ही गुसेल और आत्महत्या हीरो देख सकते हैं क्योंकि मुंबई में पति बड़ी किराया ओडवाणी में वैसे ही शोभनता और शालीनता और सादगी दिख सकती हैं जैसे कि जबलपुर की सोलिनी पांडे ने अर्जुन रेड्डी में दिखाई थी। और क्या निर्देशक संपीति वागा रेड्डी अपने ही फिल्म के हिंदी रेमिंग में अपनी ही कहानी को उतनी ही ईमानदारी से पेश करते हैं में कामयाब रहते हैं जितने वह अपनी फिल्म अर्जुन रेड्डी में रहेंगे? इन 3 सवालों में से 2 पर आप हरा निशान लगा सकते हैं और यही 2 वजह हैं कबीर सिंह को एक कामयाबी फिल्म बनानी है। शाहिद कपूर ने अपने हर इंटरव्यू में कबीर सिंह को बताया है कि कबीर सिंह फिल्म में दिखता भी वैसा है। एक गुसेल सजनी अपनी एक जूनियर से पहली नज़र में ही प्यार कर बैठती हैं और जूनियर बकरी जैसी एक नहीं बोलती हैं न सींग मारती हैं और बस हर बात पर वह सिर हिलाती हैं। सीनियर सरेआम उसे किच कर लेता है तब भी वह विरोध नहीं करती हैं और एक दिन इसके घर वालों ने उसके किसी दूसरे खूंटे से बंधे बांध देते हैं और अपनी प्रेमिका की शादी कहीं और हो जाती हैं। बाद में कबीर सिंह बिहरा जाते हैं, नशे में खुद को डुबा देते हैं पर साल में 300 बेहतरीन सर्जरी का रिकॉर्ड है उसके पास। उसका अपना ही क्लिनिक उसके खिलाफ होता है तो उसे भीतर का जमाना जागता है। वह सब कुछ छोड़कर घर लौटता है। घर की हर बागी का असली आसरा होता है और फिल्म में ये बहुत ही सरल तरीके से कहा जाता है कि कबीर सिंह बदलता है तो वह जिंदगी में नशे नए चश्मे में दिखता है। उसे
समझ आता है कि दुनिया वही है, बस उसका चश्मा ही पुराना हो गया है। निर्देशक संपादकीय वागा रेड्डी ने एक हताश और निताश प्रेमी के सीन में ज्वालामुखी भरा है। वह जब तक यही वहाँ किसी न किसी बात पर फटकता रहता है, जिनके सीने में कहने को तो बहुत कुछ होता है पर वह कुछ नहीं बोल पाता है, तो अपने गुस्से को खुद ही मारता है। संदीप के निर्देशक में किस्मा गोई का गजब का टैलेंट है, बस उनके महिलाओं का किरदार जमाने के साथ नहीं चलता। मेडिकल कॉलेज की एक लड़की को फिल्म का हीरो जब जहां चाहे वहां से उठा लेता है और जब चाहे वहां सूंघ लेता है और लड़की बकरी बननी रहती हैं। संदीप की फिल्म की पूरी तरह से उनके हीरो की फिल्म है। निर्देशक वह है कि बस कबीर के दोस्तों का मौका देता है और पर्दे पर चमकता है, बाकी सारे किरदार कब आए कब गए कहानी सोचनी भी नहीं। कलाकारों के शाहिद कपूर ने इसी किरदार में अपनी सब कुछ झोंक देते हैं। कमीने हैदर और उड़ता पंजाब के बाद शाहिद ने एक बार फिर खुद को साबित किया है कि रणवीर कपूर और रणवीर सिंह और आयुष्मान खुराना के दौर में वह नए संजीव कुमार बनकर उभरे हैं। एक ऐसा अभिनेता जिसके पास स्टाइलर भले ही न हो पर वह अदाकारी के मामले में सबको छुट्टी करा सकता है। किरारा अंडवाणी का चयन फिल्म की कमजोरी का